अपन इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। तो सारा का सारा श्रम, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हर इकाई में जो मौलिकता है वो है श्रम, गति और परिणाम की। तो हर इकाई में कुछ श्रम है, क्योंकि इकाई व्यापक में, व्यापक सत्ता में संपृक्त है, भीगी हुई है। भीगे हुए होने के फलस्वरूप उसमें श्रम है, क्रियाशीलता है और गति है, और गति है और श्रम और गति के फलस्वरूप कोई परिणाम आता है। तो इस तरह से यदि देखेंगे तो ये जो सारा का सारा श्रम हो रहा है वो मानव किस लिए कर रहा है? अपने महत्व को जानने के लिए, पहचानने के लिए प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। क्या पहचानना चाहता है? कि ये श्रम का विश्राम कैसे हो। श्रम के विश्राम को यदि अपन देखेंगे तो विश्राम का यहां मतलब है कि मैं जो भी श्रम करता हूं उससे अपेक्षित यदि फल और परिणाम आ जाते हैं तो उसका नाम है विश्राम। और यदि मैं श्रम करता हूं और जिस फल और परिणाम को ध्यान में रखते हुए मैंने श्रम किया था वैसा फल और परिणाम यदि नहीं आता है तो जो दूरी है उसको कह रहे हैं श्रम या थकान। तो मैं इसको एक बार फिर से एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे मैं बहुत कॉमन इस एग्जाम्पल को देता हूं कि यदि आप किसी, फॉर एग्जाम्पल, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2-3 साल बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको थकान नहीं लगती, आपको लगता है कि आपने जो श्रम किया है ना वो सार्थक रहा और आपको थकान नहीं है। ऐसे ही आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और जिस अपेक्षा से आपने उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था और उस फंक्शन से वो अपेक्षित रिजल्ट आ जाते हैं, चाहे वो एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, मैरिज सेलिब्रेशन हो। और यदि इसी को यदि हम अपने संबंधों में लें तो जिस तरह से आप अपने एक माता पिता अपने बच्चों को जिस अपेक्षा से उसका लालन पालन करता है, उसमें भी यदि प्रधान रूप से अपेक्षाओं को देखेंगे तो दो ही अपेक्षाएं दिखती हैं कि बच्चे एक उम्र के बाद अपने में भौतिक सुख सुविधाओं को उपार्जन करने में सक्षम हो जाएं। दूसरी अपेक्षा ये दिखती है कि वो संबंधों में ठीक से जी सकें। यदि ये दोनों अपेक्षाएं माता पिता जिस अपेक्षा को लेकर के श्रम करते हैं यदि ये अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो माता पिता उत्सव मनाते हैं और उनको थकान नहीं लगती है। यदि ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो उनको श्रम महसूस होता है। तो श्रम का विश्राम का मतलब है कि जिन जो अपेक्षाएं हैं, जो अपेक्षित फल परिणाम है, यदि वैसा फल परिणाम हमें मिल जाता है तब हमें थकान नहीं है, और यदि फल परिणाम जो अपेक्षित है वैसा नहीं मिलता है, इसी को हम कह रहे हैं कि हम श्रम कर रहे हैं या श्रम या थकान हमें महसूस हो रही। क्योंकि अस्तित्व में कोई भी इकाई ऐसी नहीं है जो श्रम से मुक्त हो सके या गति से मुक्त हो सके या परिणाम से मुक्त हो सके। बढ़िया। तो श्रम का विश्राम या गुरु शिष्य संबंध में भी देखेंगे तो जो गुरु, मतलब जब भी गुरु अपने शिष्य को जो अपेक्षा है कि शिष्य को बोध हो जाए, और ये जो अपेक्षा है शिष्य में कि उसको भी बोध हो जाए, जिस समय ये पूरा होता है, इस संबंध में जो निहित अपेक्षाएं हैं, जो अस्तित्व सहज निहित अपेक्षाएं हैं, जैसे ही ये पूरी हो जाती हैं दोनों ही उसको उत्सव मनाते हैं और जो सारा श्रम है वो विश्राम में बदल जाता है। क्या खूबसूरत डिजाइन है। तो सारा का सारा मानव का इस धरती पर सारा जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विश्राम के लिए कर रहा है। विश्राम का मतलब यहां फिजिकल लेजर की बात नहीं है, बल्कि जो मेरी में, मानव में निहित अपेक्षाएं हैं उसको पा जाने के लिए विश्राम, उसको यदि पा जाता है तो उसका नाम है विश्राम। और ऐसा कहा जा रहा है, जो दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस दर्शन में जो मुझे अच्छी लगती है वो है कि हर स्थिति की, एक स्थिति में पहुंचने के बाद उसकी निरंतरता की बात कर रहे हैं। तो जैसे परिणाम, जब परमाणु में गठन पूर्णता हो जाती है, एक परिणाम की स्थिरता हो जाती है, तो फिर वो गठन पूर्ण परिणाम के रूप में उसकी निरंतरता हो जाती है। ऐसे ही ये जो चैप्टर है जिसको श्रम के विश्राम के रूप में अपन बात कर रहे हैं, प्रयोजन की बात कर रहे हैं, तो मानव का जो प्रयोजन है यदि इसको और रूट में देखेंगे तो विश्राम ही प्रयोजन है।
और विश्राम का मतलब है यहां समाधान, समाधान का मतलब है सुख। तो हर मानव जो कुछ भी करता है, हर मानव जो कुछ भी करता है सिर्फ और सिर्फ सुखी होने के प्रयोजन से काम कर रहा है। इसके अर्थ में जिस दिन वो सुखी हो जाता है उस समय से फिर उसकी सुख की निरंतरता हो जाती है, अर्थात विश्राम की निरंतरता, या इसी को दूसरे शब्दों में क्रिया पूर्णता के नाम से कहा, और उसके आगे की जो स्थिति है जिसको फिर अपन आचरण पूर्णता कह रहे हैं। बढ़िया, तो सेकंड बुलेट को पढ़ते हैं। एक से अधिक मानव एकत्रित होने को परिवार, समुदाय व अखंड समाज संज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव जो है, एक से अधिक मानव जब एकत्रित होते हैं तो उसी को हम या तो परिवार कह रहे हैं, समुदाय कह रहे हैं, या अखंड समाज कह रहे हैं। तो जो जागृत मानव परंपरा है ना, उसमें सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक ही अखंड समाज प्रमाणित होता है। तो हम यदि हम ये कहें कि हम अखंड समाज में हैं और वहां सार्वभौम व्यवस्था ना हो तो उसको अखंड समाज नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब हुआ सार्वभौम व्यवस्था का? सार्वभौम व्यवस्था का मतलब है जहां हर मानव को शिक्षा उपलब्ध है। शिक्षा किस लिए? शिक्षा दो चीजों के लिए। एक, शिक्षा हर मानव एक उम्र के बाद अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो जाए। दूसरा, शिक्षा से संस्कारित हो जाए। क्या संस्कार आ जाए? एक तो उसको ये पता लग जाए कि सारी मेरी आवश्यकताएं हैं क्या, है ना। तो आवश्यकताओं में भौतिक आवश्यकताएं, बौद्धिक आवश्यकताएं, मानव मानव के साथ संबंध में निहित जो अपेक्षाएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा, दोनों चीजों को पूरा कर सके। इस अर्थ में व्यवस्था का एक स्वरूप है बच्चों को शिक्षा द्वारा संस्कारित करना। दूसरा स्वरूप है हर मानव को स्वास्थ्य और संयम की समझ हो। तो शिक्षा का काम क्या है? संस्कारित करना। स्वास्थ्य, संयम के बिना स्वास्थ्य नहीं होता। अभी हम जब स्वास्थ्य को पहचानते हैं तो संयम विहीन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो संयम के द्वारा ही स्वास्थ्य प्रमाणित होता है, या संयम उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। तो व्यवस्था का दूसरा अंग है जहां पर स्वास्थ्य, संयम। तीसरा है न्याय सुरक्षा, हर मानव को न्याय उपलब्ध हो सके, है ना, उसी अर्थ में वो सुरक्षित रह पाता है। अदरवाइज असुरक्षा या भय को महसूस करता है। जहां अन्याय की संभावनाएं हैं वहां मानव अपने को भयभीत महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। चौथी चीज आती है जहां पर उत्पादन कार्य। तो हर मानव एक उम्र के बाद आवश्यकता अनुसार किसी न किसी उत्पादन कार्य में भागीदारी कर सके, इसकी सुलभता हो जाए। और जो पांचवा आयाम है विनिमय की, यदि वो उत्पादन में भागीदारी करता है तो उत्पादन में भागीदारी करने में जो उसका श्रम नियोजन हुआ है उसके अनुरूप उसको प्रतिफल, है ना, उसके श्रम का ठीक ठीक मूल्यांकन हो सके और उसको प्रतिफल मिल सके। उस ये पांचों जब अंग होते हैं, यदि हम किसी समाज में, अखंड समाज तब कहेंगे जहां इस तरह की व्यवस्थाओं को हमने पा लिया, है ना, उस अर्थ में हम कहेंगे कि जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। आज के समय में हमें देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं अभी हम नहीं पा पाए, इसीलिए कह रहे हैं कि अभी हमारा समाज जागृत परंपरा की ओर जाना चाहता है, अपेक्षाएं हैं हमारे में ऐसी, कामनाएं हैं, है ना, लेकिन उसको पाना अभी शेष है। और ऐसा ही डिजाइन है, किसी चीज को पाने से पहले उसकी कामनाएं आदमी में आती है, क्योंकि कामना ही नहीं आएगी, विचार ही नहीं आएगा, उसकी इच्छा ही नहीं आएगी, तो उसको प्रमाणित करने का संभावना ही उदय नहीं होती है। बढ़िया, तो अगला बुलेट पढ़ते हैं। अकेले में मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार एवं उत्पादन सिद्ध नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मानव अधिकतम विकसित इकाई है, इससे विकसित इकाई इस पृथ्वी पर परलक्षित नहीं है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कहा जा रहा है, ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी है, और बहुत सारे लोग, है ना, इसको एक ऐसा भी मानते हैं कि शायद हम मानव हैं इसलिए हम ऐसा कहते हैं। और जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूं तो लोग ये भी कहते हैं कि क्या पता, हो सकता है जानवर अपने से अधिक विकसित हों, यू नेवर नो, और हो सकता है वो भी ऐसी बात करते हो कि आदमी अपने को इतना अहंकारी, अपने को इतना विकसित मानता है
इसके आचरण से तो ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि सारे तरह की अव्यवस्थाओं को पैदा करने वाला तो मानव ही दिखाई दे रहा है। फिर किस आधार पर हम कह रहे हैं कि मानव अधिक विकसित इकाई है? तो उसकी बहुत ही अच्छे है ना तर्क बाबा ने यहां लिखे हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मानव क्यों विकसित, किस आधार पर कहते हैं विकसित है, क्योंकि वह मानवेतर सृष्टि के उपयोग, सदुपयोग, शोषण एवं पोषण में सक्षम है। तो एक विकसित होने का, एक इकाई दूसरी इकाई से अधिक विकसित है, उसका एक क्राइटेरिया ये पकड़ में आता है कि अधिक विकसित इकाई अपने से कम विकसित इकाई को के ऊपर उसका उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है और उसका पोषण भी कर सकता है। अभी तक के आचरण से मानव ने शोषण और उपयोग को तो व्यक्त किया है, सदुपयोग और पोषण को प्रमाणित करना शेष है, इसीलिए उसी की पीड़ा भी मानव में है। तो हम मानव भले ही भ्रमित हों, फिर भी हम मानवेतर, मानवेतर जब कह रहे हैं माने मानव के इतर, मानव के अलावा जो सृष्टि है अर्थात पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, इनका उपयोग, सदुपयोग, शोषण और पोषण करने में हम सक्षम हैं। भले ही मानव जाति एज ए होल सदुपयोग और पोषण को प्रमाणित नहीं कर पाई है, बस उसकी क्षमता मानव में रखी हुई है, ये संभव है। इसलिए पता चलता है कि मानव इनसे श्रेष्ठ है। और इसको मैं कई बार उदाहरण के रूप में कहता हूं कि यही देखा गया कि ये भले ही भ्रमित मानव हो, मानव ने ही है ना पशुओं पर, पशु जगत पर, चाहे वो शेर हो है ना हाथी हो, इनको नियंत्रण कर पाया है। ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि दो शेर ने या हाथियों ने कुछ आदमियों को नियंत्रित कर लिया हो। तो इससे भी पता चलता है कि मानव अधिक श्रेष्ठ है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि श्रेष्ठता का प्रमाण पोषण में है, संरक्षण में है, ना कि डिस्ट्रक्शन में। दूसरा तर्क जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मानव तथा मानवेतर तीनों सृष्टियों में पाए जाने वाले गुण स्वभाव धर्म को जानने वाला मानव ही है। तो जो जानता है, ये जो यदि आप देखेंगे तो पहचानना, निर्वाह करना, मानना और जानना, इस ढंग से भी हम पूरे सृष्टि में ये जो चार चीजें हैं देखने को मिलती हैं, इससे भी पता चलता है कि प्रधान रूप में पदार्थ और प्राण अवस्था जगत में पहचानना, निर्वाह करना सभी में हो रहा है। मानने की क्रिया आंशिक रूप में पशुओं में भी दिखाई दे रही है और जानने की क्रिया प्रधानता सिर्फ और सिर्फ मानव का गुण है। ये इससे भी पता चलता है कि मानव अधिक विकसित इकाई है। और मानवेतर सृष्टि में ना पाए जाने वाले स्वभाव, व्यवहार एवं अनुभूति को भी मानव में पाया जा रहा है। तो जो चीजें पशु जगत में, प्राण अवस्था में पाई जा रही हैं, पदार्थ अवस्था में पाई जा रही हैं, उससे भी अधिक मानव में चीजों को पाया जा रहा है। तो इस कई तर्क के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि मानव है ना इस धरती पर सबसे अधिकतम विकसित इकाई है। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए उनके लिए नमस्कार। और मैं पहले बता दूं, जैसा कि राकेश भाई ने भी इस बात को बहुत ही स्पष्ट कहा है कि हम सब, मतलब मैं भी एक अध्ययनार्थी के रूप में ही हूं, जिस तरह से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं, हम सब प्रयासरत हैं। और उस क्रम में इसमें जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, त्रुटियां सारी मेरी हैं। और यदि आपको कुछ दिखे तो मुझे भी बताइए, हम सब, मैं भी अपने में और सुधार के लिए संकल्पित हूं। हम सब मिलजुल करके किसी एक मंजिल तक पहुंचेंगे, एक अच्छे, जिस तरह की मानव का जो प्रयोजन है जिसकी अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, जो मानव का सही अर्थ में प्रयोजन है, हम सब मिलकर के इसको पा सकें है ना, ऐसा एक अपन प्रयास करेंगे। तो दूसरा बुलेट है कि सामाजिकता से आवश्यकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि सारी आवश्यकताएं फाइनली सिर्फ और सिर्फ सामाजिकता की वजह से जन अपने में आती हैं, और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव प्रयोग और उत्पादन करता है। इसमें प्रयोग और उत्पादन की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है कि जब तक प्रयोग वो है, जब जिसको अपन एक्सपेरिमेंटेशन कह रहे हैं, या जैसे एडिसन ने बल्ब का खोजने में प्रयोग किया है ना, तो जब तक वो सफल नहीं हो जाता तब तक प्रयोग है, और प्रोटोटाइप बन जाने के बाद उसको जब जन सामान्यीकरण करते हैं तो उसको उत्पादन कह रहे हैं। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही प्रयोग और उत्पादन है।
और प्रयोग और उत्पादन के द्वारा ही मानव अर्थ उपार्जन करता है और अर्थ उपार्जन से ही उपयोग सदुपयोग व प्रयोजनशीलता में उसको लगाता है और इस प्रक्रिया से ही उसमें व्यवहारिकता का उदय होता है और व्यवहारिकता से ही मानवीयता का और मानवीयता से ही अखंड सामाजिकता है और अखंड सामाजिकता के अर्थ में ही सारा अर्थ सार्थक है। अखंडता का मतलब है अखंडता सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या रूप में मानव का प्रयोजन। अब सामाजिकता किसको कह रहे हैं, तो संपर्क एवं संबंध का निर्वाह ही सामाजिकता है। तो मानव में दो ही चीजें दिखाई देती हैं, एक तो या तो वो संपर्क में है या वो संबंध में है। क्या अंतर है इसको आगे अपन पढ़ेंगे। तो इस संबंध इस सामाजिकता को निर्वाह करने के लिए आवश्यकता अर्थात संपर्क और संबंध को निर्वाह करने के लिए जो सामाजिकता है उसके लिए आवश्यकता की जरूरत पड़ती है और निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति जो तीव्र इच्छा है ही आवश्यकता है जो कि शरीर पोषण संरक्षण और समाज गति के अर्थ में है। समुचित साधन क्या है कि मानव की परस्परता में व्यवहार प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित समृद्ध एवं जागृति पूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकी साधनों को समुचित साधन की संज्ञा। प्रयोग और उत्पादन को मैंने पहले ही बताया, धनोपार्जन को भी स्पष्ट किया कि धनोपार्जन बेसिकली प्राकृतिक ऐश्वर्य पर जो मानव श्रम करता है और उसमें कला और उपयोगिता को सिद्ध करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हम लकड़ी को एक चेयर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो नेचुरल संसाधन है लकड़ी उसको हमने कन्वर्ट किया अपने श्रम नियोजन के लिए प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, इसको हम कह रहे हैं कि धनोपार्जन। उपयोग क्या है, उत्पादन और सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है। उत्पादन दो भेद से है, सामान आकांक्षा के लिए, अभी आप देखेंगे तो सारा का सारा उत्पादन एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली हम किस लिए कर रहे हैं, सामान आकांक्षाओं के लिए और महत्वाकांक्षाओं के लिए। सामान आकांक्षा कह रहे हैं जिसमें आहार आवास अलंकार, और महत्वाकांक्षा दूरगमन दूर श्रवण और दूरदर्शन के लिए जो प्रयुक्त वस्तुएं हैं उनको हम महत्वाकांक्षा कह रहे हैं। तो किस अर्थ में सामान आकांक्षा किस लिए है, शरीर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि जो सारा उत्पादन हम कर रहे हैं वो सारा का सारा उत्पादन सामान आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के लिए किया जा रहा है या उसके सहयोग में किया जा रहा है, और सारी की सारी सामान आकांक्षा और महत्वाकांक्षा फाइनली सिर्फ और सिर्फ शरीर पोषण संरक्षण और समाज गति के लिए है। इससे अधिक वस्तु का उपयोग सदुपयोग और प्रयोजन नहीं है। तो सदुपयोग क्या है कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन सदुपयोग है, और प्रयोजन जागृति पूर्णता पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम। तो प्रयोजन कब है, एक तो जब हम सदुपयोग कब है कि जब मानवीय व्यवस्था है उसमें हम जो अपने आप को नियोजित करते हैं, दूसरा जागृति पूर्णता पूर्वक जब अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में जब तन मन धन का नियोजन करते हैं तो उसको कहते हैं प्रयोजन। व्यवहारिकता मानवीयता पूर्ण आचरण की ही व्यवहारिकता संज्ञा है। तो जो व्यवहारिकता हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, और यदि वहां पर मानवीयता पूर्ण आचरण नहीं है तो वो व्यवहार नहीं है बल्कि व्यवहार की अपेक्षा में किया गया प्रक्रिया है। अब यहां पर बता दें कि देखिए अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव विषय एवं दृष्टि के आधार पर ही है जिसके संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्था है, और इसको जब मानव जाति में अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि तीन तरह की प्रवृत्तियों को देखा जा रहा है, अमानवीय मानवीय और अतिमानवीय। इसमें भी कई बार बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, लोगों में एक शंका भी होती है कि यार हम सब लोग हैं तो मानव, और हम जब जो भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं इसको नागराज जी या कोई और ये कैसे कह सकता है कि आपकी व्यवस्थाएं अमानवीय हैं और जो वो कह रहे हैं ये मानवीय व्यवस्था है। सवाल पहुंचा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव कहने के लिए हम सब मानव हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको नागराज जी किस आधार पर कह सकते हैं कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो अमानवीय व्यवस्थाएं हैं, अमानवीय कार्यक्रम है।
तो इसका बहुत सहज उत्तर यह है कि हम सब चाहते क्या हैं। तो हम सब सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं, परस्परता में भी हम अभयता चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि मैं बाजार में निकलूं और कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर ले, कोई हमारा शोषण कर ले, कोई हमें धोखा दे दे, जिसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, हमारी जो चाहत है और हमने जिन व्यवस्थाओं को खड़ा किया है, यदि उन व्यवस्थाओं से मेरी जो चाहत है वो यदि पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि मानव की चाहत को पूरा करने में अभी की जो व्यवस्थाएं हैं वो अक्षम हैं। इस अर्थ में इसको ये कहा जा रहा है कि ये मानवीय व्यवस्थाएं नहीं है, बल्कि अमानवीय या मानव की चाहत जैसी है उसके फल परिणाम को देने में अक्षम है। इस अर्थ में इसको अमानवीय कहा जा रहा है, और कोई क्योंकि गलती भी किसी सही के रेफरेंस में कही जा रही है, इसलिए कई बार लोगों को सवाल आता है, मुझे लगा कि ये रखना चाहिए। तो अमानवीय विषय स्वभाव और दृष्टि के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको अमानवीय व्यवस्था कह रहे हैं, या पाशविक प्रवृत्ति की व्यवस्था कह रहे हैं। और क्या चीज है भाई अमानवीय स्वभाव? तो यदि मेरे में या मानव में या समाज में या व्यवस्थाओं में हीनता, दीनता एवं क्रूरता का स्वभाव देखा जाता है, प्रवृत्ति देखी जा रही है, या इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, संवर्धन दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये अमानवीय स्वभाव है। क्यों? क्योंकि जिस इस स्वभाव के साथ जो व्यक्ति जब दूसरों के साथ दीनताहीनता क्रूरता करता है तो सामने वाला तो परेशान रहता ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खुद इस स्वभाव के साथ रहता है वो भी परेशान रहता है, वो भी जो उसका मानवीय अपेक्षा है अपने में तृप्ति को महसूस करने की, वो भी तृप्त नहीं होता है। इसलिए ये स्वयं के लिए भी अमानवीय है और परस्परताओं के लिए भी अमानवीय है। अमानवीय विषय क्या है? आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन ही अमानवीय विषय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पहले भी प्रश्न आया है कि भैया तो क्या हम आहार नहीं करेंगे? मानव क्या मानव सोएगा नहीं? क्या मानव है ना भय ग्रस्त नहीं रहेगा? क्या वो मैथुन या प्रजनन की क्रिया नहीं करेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जब मात्र इसके लिए, मतलब जब मानव जो चाहत है उसकी, मैंने कहा जो निरंतर सुख की चाहत है, समृद्धि की चाहत है, परस्परता में विश्वास की चाहत है, भय मुक्ति की चाहत है, सुरक्षित महसूस करने की चाहत है, यदि वो सिर्फ इन चार विषयों के माध्यम से ऐसा पाना चाहता है तब ये अमानवीयता में गण हो जाता है। लेकिन जब उसकी दृष्टियां या उसका विषय, जब अपन आगे देखेंगे वित्तृष्णा पुत्रृष्णा लोकेष्णा हो जाता है, या उसका लक्ष्य जो है मानवीय व्यवस्था को स्थापित करना हो जाता है, उस अर्थ में ये देखा जाता है कि फिर जो आहार है वो नियंत्रित पाया जाता है ना, जो निद्रा है ना, जो लग्जरी जिसको अपन कह रहे हैं है ना, वो नियंत्रण में पाया जाता है। भय बिल्कुल गायब हो जाता है, भय अभयता में बदल जाता है समाज के लेवल पर। और जो प्रजनन क्रिया है वो जनबल कामना के लिए पाई जाती है, रादर देन अभी जिसको हम कह रहे हैं कि हम सुख के लिए पाया जाता है। और ये आहार की बात करें तो अभी के संदर्भ में जिसको अपन कोरोना के अपन अभी तक जो प्रचलित समझ बनी है, वो ये देखा जा रहा है कि हमारा जो आहार पद्धति है ना, चूंकि मानव आहार से ही सुखी होने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसको उसमें बहुत सारी वैरायटी और एक्जोटिक फूड की तरफ जो डिजाइन बना है। और अभी के पिछले कुछ दशकों में यदि हम जो स्वास्थ्य को रिलेटेड जितने भी एंडेमिक और पैंडेमिक या एपिडेमिक्स हुए हैं उसमें इसको पाते हैं कि बहुत सारे, चाहे वो एबोला हो, चाहे वो है ना नीपा वायरस हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो एवियन फ्लू हो, चाहे वो HIV हो है ना, चाहे वो अभी H1N1 हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो है ना, ये पाया जा रहा है कि अधिकतर बीमारियां है ना, ये जब हम वाइल्ड एनिमल्स है ना इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, और ये कोई ओकेजनल कांटेक्ट नहीं है, मतलब मानव जाति अभी तक यदि देखें तो अपने ही आहार, मानव का आहार क्या होना चाहिए इसके प्रति जागृत नहीं है। जबकि ऐसा अपन जब मानव विहार दर्शन को पढ़ेंगे और भी दर्शन में
मानव की डिजाइन को देख करके बहुत सारे उससे अपने को पता चलेगा। और ये भी बात निश्चित है कि मानव फाइनली है ना, जब क्रूरता को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, अभी आगे आने ही वाली है, तो इस तरह से पता लगेगा कि जब हम आहार से ही सुखी होना चाहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या मानव आहार से निरंतर सुखी हो भी सकता है। तो लॉन्ग एनालिसिस में यह भी पता चलता है कि आहार मानव के सुख के लिए कारक तत्व तो नहीं है, आहार मानव के स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि शरीर अपने सुख को प्रमाणित करने के लिए, सुखार्जन के लिए, दोनों के लिए शरीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है ना, इसके लिए इसको बनाए रखने के लिए आहार की जरूरत है। बट मानवीय आहार क्या होना चाहिए, इसको मानव पहचानने की जरूरत है। लोग, मुझे लगता है पूरे विश्व अभी जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और इस निष्कर्षों पर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं कि मानव जाति को अभी तक हमें जो मानते रहते थे कि भाई दिस इज माई पर्सनल च्वाइस है ना, एंड मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, तो शायद इन सब जिस तरह के अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये पता लग रहा है धीरे धीरे कि शायद ये इतनी पर्सनल च्वाइस भी नहीं है। पर्सनल च्वाइस एक डोमेन में जरूर हो सकती है कि मैं खाखरा खाऊं के है ना, किस तरह के पकवान बनाऊं, ये एक च्वाइस हो सकती है, बट शायद इसको अपने को सोचना पड़ेगा कि क्या ये हम है ना किस तरह के उसमें व्यवहार में आए। तो पर्सनल इतनी पर्सनल भी नहीं है च्वाइसेस, एक रेंज है जिसको हमें पहचानना होगा। तो अमानवीय दृष्टि को कहें तो प्रिय हित लाभ ही अमानवीय दृष्टि है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या प्रिय चीजें नहीं रहेंगी मानव में, बिल्कुल रहेंगी, लेकिन वो न्याय प्रिय हो जाएंगी। तो प्रिय हित शरीर संरक्षण तो तब भी रहेगा, लेकिन शरीर ही मात्र सुखी होने का साधन नहीं होगा, बल्कि शरीर सुख को व्यक्त करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए एक साधन के रूप में व्यक्त होगा। लाभ जरूर, लाभ और हानि जरूर समृद्धि में बदल जाएगी और श्रम के ठीक ठीक मूल्यांकन के अर्थ में बदल जाएगी। तो इस तरह से कैसे एक ट्रांजिशन को बाबा ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि किस तरह से ये जो सारे के सारे जो अमानवीय जो चीजें हैं, किस तरह से मानवीयता में नियंत्रित हो जाती हैं। तो प्रिय का मतलब है इंद्रिय सुख सापेक्ष क्रिया की प्रिय संज्ञा है ना, और शरीर स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए जो मेरी दृष्टि है उसको हित कह रहे हैं। और लाभ का मतलब श्रम से अधिक द्रव्य पाने की क्रिया को लाभ, अथवा लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य को आदाय माने आ जाए हमारे पास, इसको हम लाभ कह रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये ठीक नहीं है, है ना। तो श्रम के बदले हमारे श्रम के मूल्यांकन के अनुरूप में हमें श्रम आदान प्रदान हो सके, इसको पहचानना होगा। दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अमानवीयता में जो दो भेद हैं जो कल की चर्चा में आए थे, पशु मानव और राक्षस मानव, उनका जो 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 कॉमन पॉइंट है वो हीनता है। और हीनता क्या चीज है, विश्वासघात। विश्वासघात क्या है, बहुत ही गजब की है, जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना ही विश्वासघात है। तो एज ए पिता या अभिभावक होने के नाते मेरे बच्चों को मेरे से जो अपेक्षा है, बच्चों से जो माता पिता को जो अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं का पूरा ना हो जाना हो पाना ही विश्वासघात है ना। तो जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है, मानव होने के नाते हम अधिकतम सर्वश्रेष्ठ जो आगे आया, हम सबसे अधिकतम विकसित इकाई होने के नाते मानव से अपेक्षा ये है कि वो अधिक विकसित इकाई का प्रमाण दे। प्रमाण का मतलब है कि अपने से कम विकसित इकाई के पोषण में, संरक्षण में, संवर्धन में अपने को प्रमाणित कर सके, ये अपेक्षा नहीं पूरी हो पा रही। इसका मतलब है कि हम प्रकृति के साथ भी और दूसरे मानव के साथ भी अपने विश्वास को बना के नहीं रख पा रहे हैं, या विश्वासघात कर दे रहे हैं। विश्वासघात के बहुत सारे डिटेलिंग की है बाबा जी ने, बहुत ही गजब की डिटेलिंग है ना। इसी को हम छल, कपट, दंभ और पाखंड के रूप में पहचानते हैं। तो विश्वासघात के बाद अनंतर माने बाद भी जिसका आभास भी ना हो, सामने वाले को पता ही ना चले, है ना, उसको कह रहे हैं छल कर दिया। उसको तो ऐसा ही आश्वासन देते रहे कि हम आपके हित में ही काम कर रहे हैं, मैं तो आपके लिए ही जीता हूं, ये सारा का सारा है ना। हम बहुत सारी जगह देखेंगे इसको आज के बिजनेसेस में, जहां आश्वासन ये दिया जा रहा है कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले को पता भी नहीं चलता है ना, उसको हम छल कह रहे हैं। कपट, विश्वासघात के बाद जब वो व्यक्त हो जाता है, उस स्थिति में हम विश्वासघात की कपट संज्ञा है।
आश्वासन देने के बाद भी जो विश्वासघात किया जा रहा है उसको दंभ कह रहे हैं, और दिखावा पूर्वक कई बार हम अपने दोस्त में बोलते हैं देख देख कैसे उसको बेवकूफ बनाता हूं, है ना। तो इस तरह का जो दिखावा पूर्वक किए गए विश्वासघात को पाखंड कह रहे हैं। दीनता क्या चीज है? अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्चर्य प्रवृत्ति है, और इसको हम कई कई डिटेल में अपन इसको देखते हैं। बहुत सारे लोग अपने दुखी मैं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस दुख को कोई दूसरा हमारे दुख को दूर कर दे और मैं दूसरों पर निर्भर हो जाता हूं, इसी को दीनता प्रवृत्ति कह रहे हैं। और इसी दीनता प्रधान जो हीनता का आचरण है ना, उसी को कह रहे हैं पशु मानव। दीनता के दो वो हैं, या तो एक किसी अभाव से आती है या अक्षमता से आती है। अभाव का मतलब उत्पादन से अधिक उपभोग एवं उपयोग की इच्छा ही अभाव है। देखिए अभाव का मतलब क्या है, बेसिकली जब मेरे पास जितना भी है, जिसको शिविरों में हम लोग रखते ही हैं गरीब और अमीर, तो यदि बहुत कुछ होते हुए भी है ना, अमीर के पास उसकी इच्छा में उसको ये लगता है कि यार मुझे तो और अधिक चाहिए, माने जितना मेरे पास है, यदि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा घर है, लेकिन उससे अधिक उपभोग और उपयोग करने की इच्छा है, जिसके लिए मैं उतना उत्पादन भी नहीं करता हूं, है ना, इसका नाम है अभाव, और ये दीनता को व्यक्त करता है। तो आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अप्राप्ति, प्राकृतिक प्रकोप तथा सामाजिक असहयोग अभाव के कारण है। तो इसमें जो मेजर कारण है वो अज्ञान है ही, लेकिन कहीं कहीं प्राकृतिक प्रकोप और सामाजिक असहयोग बस भी अभाव की बात आती है, जहां पर आदमी अपने उत्पादन से अधिक उपयोग या उपभोग उत्पादन ही अधिक नहीं कर पा रहा, तो उसकी आवश्यकता ये कहीं कहीं इमरजेंसीज में पड़ती है। अक्षमता क्या है? दूसरा जो कारण है दीनता का, कि इच्छा अनुसार बौद्धिक कार्य और व्यवहार ना कर पाना, जिसके दो ही कारण है प्रधान रूप में, कि या तो हम अजागृति बस माने अज्ञान बस, या दूसरा कारण है कि हम बीमार हैं, रोग है ना, जो इस हो सकता है कि हम अपने काम को नहीं कर पाए इच्छा अनुसार। क्रूरता, जिसको मैं कह रहा था मुझे बहुत ही अच्छी परिभाषा लगती है, स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति तथा शोषण कार्य है, उसे क्रूरता कहते हैं। क्या गजब की, मतलब ऑल इंक्लूसिव, मतलब जब मैं अपने को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूं, और जिसको मैं अभी कोरोना के रेफरेंस में बात कर रहा था कि हम दूसरे मतलब पशु जगत को हम उनको नष्ट करने में भी हिचकिचा नहीं रहे हैं, किस लिए, हमें लगता है हमें अपने को बनाए रखना है। तो मैंने और ऐसे देखें कि तो हम मानव के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं बहुत सारी जगह, कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, और इसको शायद हम कई बार जस्टिफाई भी करते हैं माइट इज राइट के रूप में, या जिसकी लाठी उसके भैंस के रूप में, या अधिकार तो जो ज्यादा सक्षम है उसी को जीने का है, जबकि ये मानव के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये है ना बिल्कुल भी। इन सारे बहुत सारी चीजों को अपने को रीथिंक है ना, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक सोचना पड़ेगा कि एक ही माता पिता के दो बच्चे है ना, जिसमें एक कम अक्षम है, तो माता पिता किसकी तरफ अधिक ध्यान देना चाहते हैं। तो मानव में तो यही प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम अक्षम को भी सक्षम बनाना चाहते हैं, ना कि अक्षम को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे जब हम अपने ऊपर इसको देखते हैं, जिसको एक दूसरे रूप में कहें तो हम संवेदनशीलता की भी बात कर रहे हैं है ना, लेकिन सारी संवेदनाएं फाइनली हमें कहीं ना कहीं संज्ञानीयता के अर्थ में नियंत्रण की बात आएगी, इसको अपने को अपन बात करेंगे। तो क्रूरता जो है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब हम बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति भी है वो भी क्रूरता है, और चूंकि फाइनली सारे ही विचार ही कार्य और व्यवहार में व्यक्त होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं शोषण कार्य के रूप में जो भी हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज का हो, ये भी एक क्रूरता है, चाहे वो धरती के संसाधनों का हो, ये भी एक क्रूरता है, पशु पक्षी जगत के साथ हो, ये भी क्रूरता है, हमने जो बायोडायवर्सिटी को मिटा दिया, ये भी क्रूरता है। तो और जो मानव के साथ हम जो शोषण कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जिसको हमने कहा जो लाभ की प्रवृत्ति है, यदि रूट में देखेंगे क्रूरता की तो ग्रीड है ना, या लाभ पाने की, जिसको हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा मोटिव तो प्रॉफिट है, आई एम नॉट हियर फॉर सोशल एक्टिविटी बट आई एम हियर फॉर मोटिव, है ना,
बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो किसी एक दशक में है ना जो इंडस्ट्रीज थी जो इस बात को कहती थी कि हम यहाँ सोशल गुड के लिए हैं या सोशलिस्टिक है ना हमारा मोटिव है ना, लेकिन अब एक समय के बाद सारे MNCs भी और इंडियन इंडस्ट्रीज भी या एक कॉमन एंटरप्रेनर भी जो है आजकल वो कहता है आई एम नॉट हियर फॉर चैरिटी बट आई एम हियर फॉर प्रॉफिट, एंड यदि अब मुझे कुछ प्रॉफिट होगा देन आई विल सी सम चैरिटी, जिसको हम कह रहे हैं कि यदि मैं जी लूंगा तो जीने दूंगा, जो कि राकेश भाई ने पहले ही बाबा ने जो कहा कि एक्चुअली जीने देना ही जीना है, ना कि मैं जियो और जीने दो नहीं है, जीने दो और जियो है ना। तो जब है ना तो जब हम ये कह रहे हैं कि जीने दो तो मानव का या श्रेष्ठ व्यक्ति का या अधिकतम विकसित इकाई का मतलब ही है अधिकम विकसित के लिए वो प्रेरणा बन जाए, कम विकसित को अधिक विकसित की ओर प्रेरणा दे सके, यही मेरे विकसित होने का प्रमाण है। जिसको मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात को कहना कि गुरु का प्रमाण शिष्य बनाना नहीं है बल्कि गुरु का प्रमाण है कि वो कई और गुरु को बना सका। तो अधिक विकसित का मतलब है अपने से कम विकसित के लिए सहयोगी हो पाना ही अपने अधिक विकसित होने को मैंने प्रमाणित किया, अदरवाइज अधिक कम विकसित का एक्सप्लॉयटेशन कर लेना अधिक विकसित का प्रमाण नहीं है, अधिक विकसित हूं इसकी सक्षमता को बताता है। तो जीने देना ही मेरे जीने का एक प्रमाण बनता है। तो क्रूरता बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है, क्रूरता के रूट में जाएंगे तो प्रलोभन है ना, लाभ की प्रवृत्ति है और अपने को बनाए रखने की प्रवृत्ति है, उसके लिए अपने को बनाए रखने के लिए दूसरों को मिटाने में जो वैचारिक और शोषण कार्य है ना, इसके भी रूट में जाएंगे तो चूंकि मैं अपने को समझ ही नहीं पाया है ना, इस अर्थ में वो आ रहा है और उसकी आगे इसी अर्थ में सारा दर्शन है कि यदि मानव और दूसरे ढंग से देखेंगे तो यही मानव में डिजाइन है, अजागृति से जागृति की ओर जो गमन है ना, इस अर्थ में इसको देख रहे हैं। तो अब क्रूरता के दो भेद हैं, अपराध और प्रतिकार। तो अपराधात्मक क्रूरता हिंसा के रूप में व्यक्त है और प्रतिकारात्मक क्रूरता प्रतिहिंसा। तो कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया देखो पहले तो हिंसा उसने शुरू की तो मैंने तो उसको रोकने के लिए मुझे हिंसा करना पड़ा है ना। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए चाहे वो प्रतिकार के रूप में की जाए, चाहे मैं खुद स्टार्ट करूं या दूसरों के रिस्पॉन्ड में उसको करूं, है तो वो क्रूरता ही, उसको हिंसा में ही गिना जाएगा। तो ये तो हुआ था कि उनकी बात को कह रहे हैं कि किस तरह से इस तरह का समाज है ना जो अमानवीय स्वभाव विषय दृष्टि के संरक्षण संवर्धन प्रोत्साहन देने में काम कर रहा है। अब बात करेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं है ना अध्याय 4 में, तो जिनके पास बुक्स हैं उसको ले लें, मुझे लगता है आप सब देख ही रहे होंगे क्योंकि यहां पे मैं बुक पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं दोनों एक साथ। तो मानवीय स्वभाव विषय एवं दृष्टि को संरक्षण संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था को मानवीय व्यवस्था कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्वभाव ऐसी दृष्टि और ऐसे विषय के साथ जब मानव काम करता है तो जो उसकी अपेक्षा है, जो निरंतर सुख की अपेक्षा है, समृद्धि की अपेक्षा है, अभयता की अपेक्षा है, सह अस्तित्व की अपेक्षा है, परस्पर हारमोनी में जीने की अपेक्षा है, ये जो उसका लक्ष्य है, ये जो चाहत है वो सफल हो जाती है, इस अर्थ में इस तरह के स्वभाव और विषय और दृष्टि को मानवीय कहा है। बहुत ही मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बाबा जी ने रखा कि मानवीय स्वभाव क्या है कि धीरता वीरता और उदारता और दया कृपा करना ही मानवीय स्वभाव है, क्योंकि इस स्वभाव के साथ जब जब मैं काम करता हूं, जब जब मैं इसमें रहता हूं, मैं अपने में एक तृप्ति को महसूस करता हूं और जिसके साथ व्यक्त होता हूं वो भी तृप्ति को महसूस करता है, इस अर्थ में ये मानवीय स्वभाव है। मानवीय विषय पुत्रेषणा वित्रेषणा एवं लोकेषणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अधिकतर आज के समाज में हम इसको, जिसको बाबा आगे और एक्सप्लेन अपन कर ही रहे हैं उसकी डेफिनेशन में जाएंगे, धनबल कामना, जनबल कामना और यशबल कामना। तो अभी भी हमें लगता है कि यार मैं तो धन के लिए ही काम करता हूं, मैं तो जनबल चाहता हूं लोग मेरे साथ रहें और मैं तो यश चाहता हूं, लेकिन आप इसको तो अमान भी कह दे रहे हैं। तो यहां पर जब धनबल काम, तो अभी भी हमें लगता है कि यार मैं तो धन के लिए ही काम करता हूं, मैं तो जनबल चाहता हूं लोग मेरे साथ रहें और मैं तो यश चाहता हूं, लेकिन आप इसको तो अमान भी कह दे रहे हैं। तो
यहां पर जब धनबल कामना, तो वहां अभी जो हमारी धनबल कामना है वो किस लिए है, वो हमारी प्रिय हित लाभ और हमारे जो आहार निद्रा भय प्रजनन को बनाए रखने के लिए है, है ना। इस अर्थ में जब इस लक्ष्य के साथ हम काम करते हैं, तब एक्चुअली ये जो जन धन और बन सही अर्थों में व्यक्त नहीं हो रहा है, वो अपेक्षा के रूप में व्यक्त है। जबकि यहां जब अपन डेफिनेशन देखेंगे तो व्यवस्था के अर्थ में धन की कामना, व्यवस्था के लिए मानवीय सार्वभौम व्यवस्था, जिसको अपन ने शुरू में पढ़ा कि सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक ही अखंड समाज प्रमाणित होता है, तो व्यवस्था के लिए जो धन की कामना है, जन की कामना है, यश की कामना है, इस अर्थ में मानवीय स्वभाव है और मानवीय विषय है और इससे तृप्ति होती है। जबकि दूसरे ढंग से जब मैं धन जन और यश को इकट्ठा करना चाहता हूं अपनी ही जो आहार में, अपने ही अमानवीय विषय स्वभाव और दृष्टि के अर्थ में, तब वो अपेक्षा के रूप में है, सही अर्थ में वो वित्रेषणा और लोकेष्णा है ही नहीं। तो मानवीय दृष्टि क्या है? न्याय अन्याय धर्म अधर्म और सत्य असत्य मानवीय दृष्टि, अर्थात न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि ही मानवीय दृष्टि है। लेकिन जो न्याय की रोशनी में उसको अन्याय भी स्पष्ट रहता है, व्यवस्था की रोशनी में क्या अधर्म है अव्यवस्था है ये भी पता रहता है, सत्य की रोशनी में क्या असत्य है ना, क्या क्षणिक है, क्या परिवर्तनशील है, क्योंकि सत्य फाइनली देखेंगे तो अपरिवर्तनीय है, जिसको अपन ने शुरू में पढ़ा था। तो न्याय क्या है? मानवीयता के संरक्षण के लिए जो भी नीति पूर्वक किया जाना वाला व्यवहार और व्यवस्था है वही न्याय है। तीसरी चीज जो इसी में रखा है, जिसको है ना दया कृपा करुणा की बात की, तो अति मानवीय स्वभाव और विषय और दृष्टि की जागृति के लिए अवसर को पैदा करना, साधन को नियोजित करना, ऐसी व्यवस्था को खड़ा करना, ऐसी व्यवस्था के लिए व्यक्तिक माने व्यक्तिगत प्रयास करना, इसको हम अति मानवीय है ना स्वभाव और सामाजिक व्यवस्था कह रहे हैं। अखंड समाज परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था व हर मानव सहज प्रमाण परंपरा ही अति मानवीय सामाजिक व्यवस्था है। तो अति मानवीय स्वभाव किसको कह रहे हैं? दया कृपा और करुणा। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, क्योंकि जनरली जब हम दया कृपा करुणा किसी से पूछें तो हमें तीनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं। तो मैं एक बार पहले करता हूं, फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दया कृपा करुणा की, किस तरह से इसमें विविधता है, क्या इनमें जो एक जो फाइन डिस्टिंक्शन जो मुझे लगा। तो दया क्या है? जिनमें पात्रता हो परंतु उसके अनुरूप वस्तु उपलब्ध ना हो, ऐसी स्थिति में उसे वस्तु उपलब्ध कराने हेतु की गई प्रयुक्ति ही दया है। तो जिनमें पात्रता है, तो यदि ब्रॉडली देखेंगे तो हर भ्रमित मानव जागृत होना ही चाहता है, लेकिन किसी किसी मानव में उसके प्रति जिज्ञासा व्यक्त हो जाती है कि यार इससे काम नहीं चल रहा है, जो मैं प्रिय हित लाभ के लिए काम कर रहा हूं है ना, या जो मैं आहार निद्रा भय प्रजनन में सुख को खोज रहा हूं, एक समय ये पता लगता है, कुछ लोग इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं, ये बात बन नहीं रही भैया, इससे अपना काम चलेगा नहीं, तो उनमें फिर क्या करना चाहिए, इसकी एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इसको कह रहे हैं अब मानव समझने का पात्र हो गया है। तो यदि उसमें जिनमें, तो दया क्या है? जिनमें ये पात्रता है उसके अनुरूप वस्तु क्या है? ज्ञान है ना, दर्शन उपलब्ध हो गया है, उनको उससे अवगत करा देना, या जागृत मानव उसके लिए है ना वस्तु को उपलब्ध करा दे, ऐसी स्थिति में उसे वस्तु उपलब्ध कराने हेतु जो कुछ भी तन मन धन का नियोजन है, इसको कह रहे हैं दया। कृपा क्या है? वस्तु समीचीन है, माने ये दर्शन आ चुका है ना, या व्यक्ति मानवीयता के साथ जी रहा है, लेकिन माने कौन व्यक्ति? जिसको जो उस मानवीयता को उपलब्ध हो गया, लेकिन वो पाता है कि उसके अनुरूप जो लोग हैं उनमें पात्रता का नजरिया नहीं है, माने उनमें पात्रता ही विकसित नहीं हो रही, उनमें जिज्ञासा ही पैदा नहीं हो रही है, और उनको अभी लगता है कि वो अमानवीय स्वभाव विषय दृष्टियों में ही एक दिन सुख को पा जाएंगे, माने उसकी अभी समीक्षा भी नहीं हो पा रही है। तो उनमें वो पात्रता को पैदा कर देना, एक ऐसा वातावरण को निर्माण करना जहां आदमी इस बात को समझ सके कि जिस दिशा में वो प्रयासरत है वहां जिस मंजिल को वो खुद पाना चाहता है वो मंजिल नहीं है। जैसे आज की स्थिति में देखेंगे तो हम उल्टा कर रहे हैं, हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है ना, ये हमें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यदि शॉपिंग करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, आप ये वाला
कार खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आप इस तरह के घर में रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आप देश विदेश यात्रा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आप इस तरह का आहार करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक मानव को भ्रमित कर दे रहे हैं, है ना। जबकि तो उसमें जो जो पात्रता डेवलप होनी चाहिए, अभी हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं जब बच्चा जन्म लेता है उसमें जितनी पात्रता रहती है, उस पात्रता को हनन करने में, उस पात्रता को भी कम कर देने के लिए हम हमारी व्यवस्थाएं उसको प्रोत्साहन दे रही हैं। जबकि कृपा का मतलब है क्या वास्तव में हम ऐसी व्यवस्थाएं बना सकें जहां एक भ्रमित व्यक्ति उस वहां पर जो रोल मॉडल्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो जो किसी स्थिति में पहुंच गए हैं, वो इस बात को ध्यानाकर्षण करा सकें कि जो आने वाली जनरेशन जब इस तरह की चीजों में आकर्षित हो रही, तो उनको हम कह सकें कि हमने इसको करके देखा है, इससे वो उपलब्धियां नहीं मिलती हैं जिन उपलब्धियों की हम कामना करते हैं। और सही अर्थों में सुख तो धीरता वीरता उदारता पूर्वक जीने में है, संबंधों को निर्वाह करने में है, अपने माता पिता भाई बहन या जो सात संबंधों की बात कर रहे हैं जिसमें व्यवस्था संबंध भी है, एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर होने के नाते और या एक सिटीजन होने के नाते, एक नेटिजन होने के नाते, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, यदि हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं, इसी से मानव सुखी होगा, समृद्ध होगा। इस तरह का वातावरण हम यदि बना पाए तो ये निश्चित मानिए आगे आने वाली जो जनरेशन है वो एक तरह से इस समीक्षा को कर पाएगी और सुपात्र हो पाएगी। इस अर्थ में हम आने वाली पीढ़ी पर, माने जो अगली पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसके लिए कृपा हमारी, हम बड़ी लोगों के द्वारा, जो बड़े लोग हैं, जो अभिभावक के रोल में हैं, जो माता पिता के रोल में है, जो शिक्षक के रोल में है, जो व्यवस्थापक के रोल में है, जो है ना बहुत सारे इन कार्यों में जुड़े हुए हैं, वो सही अर्थों में हम अपने ही आने वाले बच्चों पर कृपा कर पाएंगे या इस तरह के वातावरण को निर्माण कर पाएंगे जिससे हमारे बच्चों में वो पात्रता विकसित हो कि वो सही ज्ञान को लेने के लिए अपने को ओपन कर सके, उनमें एक नजरिया बन सके। करुणा का मतलब है, इससे भी आगे की स्थिति कह रहे हैं कि जहां ना पात्रता है और वस्तु भी नहीं है, उसको भी उपलब्ध कराने के लिए, दोनों को के लिए कैसे काम किया जाए, इसको अपन कह रहे हैं ये करुणा का स्वरूप है। तो अति मानवीय स्वभाव को व्यक्त किया। अति मानवीय विषय क्या है, सह अस्तित्व रूपी परम सत्य, है ना, कैसे हम हारमोनी भी जी सके, यही एकमात्र विषय में रत रहता है अति मानवीय व्यक्ति। और अति मानवीय दृष्टि सिर्फ और सिर्फ सत्य की दृष्टि है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों व्यवस्थाओं को व्यक्ति में भी, समाज में भी, परिवार में भी, और अखंड समाज या व्यवस्थाओं के स्वरूप को बाबा जी ने रखा कि किस तरह से हम, है ना, एक अमानवीय समाज क्या है, मानवीय समाज क्या है, और एक अति मानवीय समाज का क्या स्वरूप होगा। माने सुन करके भी बहुत सुखद लगता है, ये रोमांच मैं जब भी इसको पढ़ता हूं तो अपने में एक महसूस करता हूं, आप लोग भी इसको फील कर ही रहे होंगे, इसको मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये मानवीय बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है, बहुत ही सुखद, है ना, किस तरह से एक बहुत ही नेचुरल वे में हम ट्रांजिशन कर सकते हैं बिना किसी को घायल किए हुए है। तो जिसको बाबा कहते हैं बुंडलेस प्रोसेस है ना, ये बहुत ही सहज रूप में, क्योंकि उन अमानवीय स्वभाव और विषय और दृष्टि के साथ मैं स्वयं ही अपने को ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, अपने में पीड़ा को महसूस कर रहा हूं, निकलना चाहता हूं, छटपटा रहा हूं, रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हम सब बड़े लोग किस तरह से इस रास्ते को बना पाए, है ना, अपनों को ही, अपने ही इस रोल को हम ठीक से व्यक्त कर पाए। तो मुझे लगता है इससे अधिक अच्छा योगदान, है ना, अपने लिए भी और अपने से होने वाली जो अपेक्षा भी है अपनों को, अपने ही संबंधियों को या अपनों ही बच्चों को, शायद हम अपने में एक तृप्ति को महसूस कर पाएंगे। तो न्याय व अन्याय सहित लक्ष्य भेद से, इसी न्याय और अन्याय के भेद से ही संपर्क और संबंध सफल और असफल है, इससे ही सामाजिकता का विकास व ह्रास सिद्ध होता है, इससे कम में कोई सामाजिकता को हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही मार्मिक है मुझे लगता है। तो न्याय के बिना हम सफल हो पाएंगे संभव ही नहीं दिखाई देता।
कभी तो लगता है कहां फंस गई है मारा जाती। कहां ढूंढ रहे हम सुख को, कहां अपने ही बच्चों को हम किस दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। बहुत प्रयास पूर्वक हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को भ्रमित कर रहे हैं, और जो लोग सक्षम हैं, और मुझे लगता है इस ऑडियंस में जितने हम लोग सुन रहे हैं, शायद हम विश्व का वो 1% हिस्से को बिलोंग करते हैं, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसको हम अपने साथ ही नहीं तो लगता है पूरी शरीर यात्रा को ऐसे ही बहा देंगे, है ना। किस तरह से हम इस बात को अपने भी समझ सकें, दूसरों में मार्गदर्शन दे सकें कि जिस दिशा में हम गतित हैं, प्रयासशील हैं, वो दिशा ठीक नहीं है, है ना। न्याय को पहचानना होगा, अस्तित्व को पहचानना होगा, अपनी ही क्षमताओं को पहचानना होगा, अपने साथ ही न्याय करने को पहचानना होगा। तो यदि हम न्याय नहीं कर पाए तो सामाजिकता का विकास नहीं हो सकता। तो संपर्क और संबंध में जो अंतर है, तो जिस परस्परता में जो अपेक्षाएं हैं, प्रत्याशाएं हैं, माने प्रत्याशा माने जिस आशा, जब मैं कुछ काम करता हूं तो दूसरे से कुछ आशा रहती है, उससे जो आचरण की अपेक्षा है, ये आशा और प्रत्याशा जिसमें ऐच्छिक रूप में निहित हैं, अभी वो आप अपेक्षाएं जिसको जब संबंध कह रहे हैं, तो जिस परस्परता में प्रत्याशाएं पूर्णता के अर्थ में पूर्व निश्चित हो चुकी हैं, ऐसे मिलन को संबंध कह रहे हैं। उस संपर्क में अपेक्षा तो वही है, लेकिन हम संबंध को पहचाने नहीं है, अर्थात क्या हम गुरु शिष्य के संबंध में हैं, माता पिता और बच्चे के संबंध में हैं, भाई भाई के संबंध में हैं, मित्र संबंध में हैं, या हम वास्तव में जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या व्यवस्थागत संबंध में है। तो इस संबंध को अभी जहां पर अभी ध्रुवीकरण नहीं किया गया है, जो ध्रुवीकृत होना ही है, वहां तक की सीमा में हम संपर्क कह रहे हैं। संपर्क में भी विश्वास निर्वाह की अपेक्षा तो निहित है ही। तो यदि हम किसी है ना संबंध में, संपर्क में देखें, तो जैसे रोड पर भी हम चल रहे हैं और कोई हमें परेशान दिखाई देता है, तो ये अपेक्षा है ही कि हम उसके लिए सहयोगी बनेंगे। तो संपर्क में भी एक निश्चित मिनिमम अपेक्षाएं बनी हुई हैं, उनको और अधिक रूप में जब ध्रुवीकृत होती हैं, उसी को संबंध कह रहे हैं। तो एक उद्देश्य अर्थात जीव चेतना बस से संबंध नहीं है, है ना। अभी हम संबंध, जब आज भी हम है ना संबंध में ही हैं, माने इस अर्थ में कि हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, माता पिता बोलते ही हैं, बच्चों के नाम से बच्चे पुत्र पुत्री बोलते ही हैं, भाई बहन का नाम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक जीव चेतना बस है, यदि एक उद्देश्य है, तो वो संबंध की अपेक्षा है, संबंध अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। तो संबंध तो वास्तव में आमुस्मिक उद्देश्य अर्थात विकसित चेतना, मानव देव मानव दिव्य मानव सहित प्रमाण को व्यक्त करने के अर्थ में ही है, उसी का निर्वाह ही जागृति है। तो सामाजिकता का निर्वाह फाइनली कर्तव्य एवं निष्ठा से है, जिससे अखंडता सार्वभौमता रूप में सामाजिकता का विकास, अन्यथा में उसका ह्रास प्रमाणित होता है। और निर्वाह का मतलब है कि समाधान समृद्धि सहित उपयोग सदुपयोग व प्रयोजनों को प्रमाणित करना अथवा परस्पर पूरक सिद्ध हो जाना, यही फाइनली निर्वाह करने का मतलब है। और कर्तव्य का मतलब है कि मानवीयतापूर्ण विधि से करने योग्य जो कार्य व्यवहार है एवं उसमें जो मूल निर्वाह क्रिया है वो कर्तव्य है। और निष्ठा का मतलब है कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह की निरंतरता ही निष्ठा है, क्योंकि इसमें भी कई बार लोग इस बात को कहते हैं भैया मैं ही कब तक करता रहूं, है ना। तो ये जो न्याय करने की प्रक्रिया है, ये कोई बोझ नहीं है, ये कोई बंधन नहीं है, ये अपने में सुखप्रद है, इसलिए कब तक करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए इस निष्ठा का मतलब ही है कि कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह की निरंतरता, कब तक, हमेशा, क्यों, क्योंकि अब मेरे लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बेसिकली ये सारा का सारा दर्शन स्टार्टिंग में एक विकल्प है, फाइनली एक संकल्प है, जब हम चॉइस पूर्वक चॉइस लेस हो जाते हैं, अर्थात इसी चॉइस को
स्वीकारते हैं कि न्याय करना ही एकमात्र च्वाइस है ना, व्यवस्था में जीना ही एकमात्र च्वाइस है, सहस्तित्व पूर्वक व्यक्त होना ही एकमात्र च्वाइस है, इस च्वाइस की निरंतरता हो जाना ही मानव में निष्ठा है। तो सामाजिकता के निर्वाह के लिए समाधान, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगती है कि देखिए सामाजिकता के निर्वाह के लिए समाधान भी चाहिए और समृद्धि भी एक आवश्यक तत्व है, इसके लिए ही सारा बौद्धिक एवं भौतिक साधन है। तो ये कोई हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि सामाजिकता बिना समृद्धि के व्यक्त हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सामाजिकता में जो संबंध और संपर्क का निर्वाह है जिसमें मानव के द्वारा मानव के लिए जो व्यक्त होना की अभिव्यक्ति है, जब मानव कह रहे हैं तो वो जीवन के साथ साथ शरीर उसमें जुड़ा हुआ पक्ष है और शरीर का पोषण संरक्षण उसमें एक आवश्यक कार्यक्रम है, इसलिए उसकी पूर्ति के लिए समृद्धि एक आवश्यक तथ्य है, है ना। तो साधन किसको कह रहे हैं, साधक को अथवा साध्य के लिए आवश्यकीय वस्तु एवं पात्रता को साधन कह रहे हैं, जो हर साधक में अपेक्षणीय है, जिसकी अपेक्षा है। तो साधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समृद्धि जरूरी है, हर मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए किसी न किसी उत्पादन में भागीदारी, सेवा में भागीदारी इसकी अपेक्षा है ही, और इससे कम में तृप्ति भी नहीं है, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में कहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसी में उससे अकेले से भी नहीं होगा, इसलिए समाधान भी आवश्यक है और समृद्धि भी आवश्यक है ना। इसको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र, अभी मैं जस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में अभी पढ़ रहा था कुछ दिनों से, तो मैं देख रहा था स्वीडन और नॉर्वे या बहुत और भी ऐसे देश जहां पर यदि हम समृद्धि की बात को करेंगे, उन्होंने एक उपलब्धि को पाया है कि जहां पर वो हर परिवार में एक लेवल का आहार, आवास, अलंकार, दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन की, है ना, चाहे वो यदि कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों को उन्होंने सुनिश्चित किया है, लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं वहां देख रहा था तो जो डाइवोर्स रेट्स हैं 40% के आसपास हैं नॉर्वे में, और दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं इसी को तो जो ओल्ड एज की जो इशूज हैं, है ना, जो संबंधों में नहीं जी पाने की बात है, जो परस्परता में जो न्याय है ना, उसको, उन समस्याओं को वो महसूस कर रहे हैं, उसको जूझ रहे हैं। तो इसलिए पता लगता है कि समाधान भी आवश्यक है और समृद्धि भी आवश्यक है, इन दोनों के लिए कैसे हम पूरक हो पाए। तो जो समाधान की बात है उसको अपन कह रहे हैं बौद्धिक साधन के रूप में, है ना, अर्थात जागृति सहज क्षमता। तो बौद्धिक साधन क्या है मेरे पास, तो जागृति सहज क्षमता, यही प्रधान रूप में मेरा बौद्धिक साधन है, उस क्षमता से, इस योग्यता और पात्रता के रूप में बौद्धिक साधन है। और भौतिक साधन क्या है, सामान्य एवं महत्वाकांक्षाओं को के लिए आवश्यकीय रचना एवं वस्तु उत्पादन के रूप में जो हमारे पास है वो बौद्धिक साधन है। उपरोक्त अनुसार वर्णित साधनों को प्रयुक्त करने के लिए जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, जो व्यवसाय है, जो उत्पादन क्रिया है, उसमें इच्छा का होना आवश्यक है, क्योंकि हम अनिच्छित वे में इसको नहीं कर सकते। तो जो, और एक मजेदार सूत्र लिख रहे हैं, मुझे लगता है इसको मैं यहां पर ही लगभग एक घंटा पूरा हो गया, मेरी घड़ी बता रही है, तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं कि जो जिसको पाने के लिए तीव्र इच्छा से संबिगित होता है वह उसे पाए बिना तृप्त नहीं होता है। तो यदि ये जो सुनने वाले 70-80 लोग, मैं देख रहा हूं अभी लगभग 80 लोग अपन सुन रहे हैं इस बात को, यदि हमें ये तीव्र इच्छा हो जाए कि जिसकी कामना बाबा ने उसको व्यक्त किया, कामना हम सब में निहित ही है कि हम चाहते हैं धरती स्वर्ग हो, कि मानव जाति कैसे हम सब एक दूसरे के साथ पूरकता भरी से जी सकें, मानव मानव के साथ भी और मानव मानवेतर प्रकृति के साथ भी पूरकता विधि से जी सके, यदि हमारे में ये जो सूक्ष्म इच्छा तो है ही है, कहीं ना कहीं किसी कोने में हमें लगता ही नहीं, आज नहीं कल हम इसके लिए काम करेंगे, यदि हम इसके लिए प्रयास पूर्वक ही हमारे में तीव्र इच्छा में परिवर्तित हो जाए, तो मैं निश्चित मानता हूं कि हम सब सफल होंगे, क्योंकि फिर उसको पाए बिना हम तृप्त नहीं हो पाएंगे, उसके पाने के क्रम में अपनी जागृति भी सुनिश्चित होगी और हम दूसरों के लिए भी जागृति के लिए सहयोगी हो पाएंगे और अपने
विकसित होने को सही अर्थों में प्रमाणित कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, एक घंटा हो गया, अपन क्वेश्चन आंसर्स लेंगे 3:30 से 4:30 के बीच में। बौद्धिक एवं भौतिक साधनों की प्रयुक्ति के लिए इच्छा किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां बात कर रहे हैं, यह आवश्यकता, जैसे आपने अभी पूछा भी किसी ने कि क्या गलत चीजों के लिए भी हो सकती, तो यह आवश्यकता है स्वार्थ परार्थ अथवा परमार्थ भेद से होती है। स्वार्थ क्या है भाई? सीमित एवं संकीर्ण अर्थ नियोजन योजना की स्वार्थ संज्ञा है। तो जो एक मानव अथवा एक परिवार तक ही सीमित है, अथवा वैयक्तिक या पारिवारिक इंद्रिय सुख सुविधा के लिए जो विचार और इच्छा है, वही स्वार्थ है, है ना। तो स्वार्थ का मतलब है जब हम अपने ही परिवार की, अपने ही व्यक्तिगत सुख सुविधा की ध्यान रख रहे हैं, इंद्रिय सुख सुविधाओं की, और परार्थ दूसरों की सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार है और इसकी पूर्ति के लिए जो अर्थ नियोजन के लिए जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, उसको परार्थ कह रहे हैं। और परमार्थ जिस विचार एवं व्यवहार में समाधान सहित, समाधान इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए, जिस विचार एवं व्यवहार में समाधान सहित सर्व शुभ की उपलब्धि हो और समस्या का निराकरण हो और स्नेह का ही संबंध हो, इसे सर्व सुलभ कराने के लिए जो अर्थ नियोजन है उसको कह रहे हैं परम अर्थ या परमार्थ, है ना। तो इस अर्थ में देखेंगे तो स्वार्थ परार्थ और परमार्थ भेद से ही हम अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं। उपरोक्त नियम ही फिर केवल अभी यहां पे व्यक्ति और परिवार की सीमा में बताया, लेकिन यही नियम विभिन्न प्रकार की गठित सामाजिक इकाइयों के लिए भी लागू होता है, जिससे विभिन्नता समाप्त होकर मानवीयता स्थापित होती है। अर्थ मात्र तीन ही है, मन अर्थात जीवन, तन और धन, है ना। बौद्धिक प्रयोग एवं प्रयास से बौद्धिक समाधान और भौतिक प्रयोग एवं प्रयास एवं उत्पादन से भौतिक समृद्धि की उपलब्धि होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भौतिक उपलब्धि के लिए अलग ढंग का प्रयास है, प्रयोग है, उत्पादन के कार्यक्रम है, और बौद्धिक तृप्ति के लिए, है ना, अलग ढंग का प्रयोग है, प्रयास है। अर्थात यहाँ पे जो प्रयोग प्रयास है वो अध्ययन है, है ना, समझने के लिए तर्क है, विचार नियोजन है। तो इस तरह से बौद्धिक प्रयोग प्रयास से ही बौद्धिक समाधान है। तो यदि हम बहुत सारा प्रयास करके हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, तो भौतिक उपलब्धियों से बौद्धिक समाधान नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि मुझे बौद्धिक समाधान हो जाए तो उससे गाड़ी और घर नहीं आ सकता। ये एक अलग बात है कि उस बौद्धिक समाधान में कैसे हमें अपने तन मन धन को वस्तुओं के उपार्जन के लिए उपयोग करना है, लेकिन वो तो उपार्जन के लिए प्रयोग और प्रयास और उत्पादन करना होगा, उसी से उपार्जित होगी, इस अर्थ में इसको कहा गया। तो बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सामाजिकता के विकास के लिए सहायक है, दोनों की ही आवश्यकता है, दोनों के लिए प्रयास करने की जरूरत है। भौतिक समृद्धियों की समृद्धि के लिए प्राकृतिक वैभव का उपयोग एवं सदुपयोग अनिवार्य है। खनिज वनस्पति और पशु पक्षी प्राकृतिक वैभव है, इस वैभव का हमें उपयोग और सदुपयोग करके ही भौतिक समृद्धि के लिए हम अपना उपार्जन कर सकते हैं। तो प्राकृतिक वैभव के उपयोग और सदुपयोग के लिए श्रम रूपी अर्थ का नियोजन आवश्यक है। अर्थ अर्थात तन मन एवं धन का नियोजन मानवीय तथा अति मानवीय भेद से प्रयुक्त करने से सामाजिकता का विकास है। इसके आगे का ये सूत्र बहुत ही अच्छा है कि अमानवीय समुदायों के गठन के मूल में भ्रमित मानवों व बलवान जीवों अर्थात क्रूरता का भय है। आवाज कटकर आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा और पास आता हूं। तो अभी ठीक हुई शायद? तो अमानवीय समुदायों के गठन के मूल में भ्रमित मानवों व बलवान जीवों अर्थात क्रूरता का भय है। इसी प्रकार मानव समुदाय गठन के मूल में प्राकृतिक भय, पाशवीय भय तथा मानव में निहित अमानवीयता के भय के लिए नहीं है, बल्कि भय से मुक्त होना लक्ष्य है। दोनों में काफी सटल अंतर है। एक तो होता है कि कहीं जब रायट्स होते हैं तो हम सब ना इकट्ठा हो जाते हैं, किस लिए? उससे भय, उनसे लड़ने के लिए। तो जो मानवीयता में लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, भय से पीड़ित होकर इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि मानव में निहित जो अमानवीयता है ना, जो उसकी नासमझी है, जो उसमें दीनताहीनता क्रूरता का स्वभाव है, जो उसमें प्रियत लाभ की दृष्टि से सुखी होने का दबाव है, जो उसमें आहार निद्रा भय प्रजनन से ही सुखी होने की जो उसकी मान्यताएं बनी हुई हैं, उस अमानवीयता से मुक्त होने के लिए क्या किया जाए, अर्थात क्या शिक्षा का प्रोग्राम हो, कैसे बच्चों को संस्कारित किया जाए, इस तरह की जो डिजाइन को सोच रहे हैं उसको कह रहे हैं मानवीय
गठन। तो मानव मात्र द्वारा समस्त प्रयास एवं प्रयोग तृप्ति अथवा सुख के लिए ही है। अब सुख कहां कहां देखा जा रहा है, तो इंद्रिय संवेदनाओं में सुख, वैचारिक समाधान में सुख, मूल्य पूर्वक संबंधों में जीने में सुख, और लक्ष्य मूलक जागृति सहज प्रमाण भेद से तृप्तियां अथवा सुख है। अब जो इंद्रिय तृप्ति है उसको कह रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंधेन्द्रियों द्वारा आहार निद्रा भय और मैथुन से होने वाली सभी तीन तृप्तियां इंद्रिय तृप्ति है जो कि सामयिक है। सामयिक का मतलब कुछ समय रहती है तृप्ति, है ना, और उस समय के बाद ये तृप्ति नहीं रहती है। इसी चक्कर में हम चूंकि तृप्ति मानव लगातार चाहता है, निरंतर चाहता है, हम जब ये सवाल पूछने के भाई सुख कितना चाहिए, संडे टू संडे चाहिए, हफ्ते में दो दिन होगा तो चलेगा, वीकेंड्स पर या किसी दिन में दो घंटे से चलेगा, तो यही उत्तर आता नहीं भैया सुख तो मुझे लगातार चाहिए। तो यदि लगातार सुख चाहिए और यदि हम इसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों में ढूंढ रहे हैं तब तो ये संभव ही नहीं है, ये निष्कर्ष आने की बात है। एक्चुअली भी मानव जाति में ये निष्कर्ष ही नहीं आ रहा है, इसलिए हम आहार भी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आहार भी आदमी अपने सुखी होने के लिए कर रहा है। केवल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं है, वेजिटेरियन में भी इतनी सारी वैरायटी जो हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति सामयिक होती है और हमें निरंतर चाहिए, इसलिए फिर हमें लगता नहीं आ रही आज ही खाया अब कल और कुछ खाना पड़ेगा, कुछ और वैरायटी चाहिए। कि जितनी एग्जॉटिक डिजाइन में हम जा रहे हैं आहार को लेके, निद्रा को लेके, भय को लेके, प्रजनन को लेके, ये उसी का आउटफॉल है, क्योंकि इससे बड़ी तृप्ति का डिजाइन हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, है ना, जिसके लिए आगे के लिए प्रस्ताव है कि जो वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा से प्राप्त तृप्ति की बौद्धिक तृप्ति संज्ञा है जो दीर्घकालीन होती है। जब ये बात ये समझ में आएगा, इसकी तृप्ति मानव पहचानेगा, मानव जाति, तभी जाकर के जो कम तृप्ति वालों के ऊपर जो दबाव है आहार निद्रा भय प्रजनन में, इससे कम में मुक्त भी नहीं हो सकता। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम्पल, नहीं तो हम कई बार ये कह रहे हैं कि देखो यार इस तृप्ति में कुछ नहीं रखा इसको छोड़ दो, तो छोड़ना संभव नहीं है, किसी बड़ी चीज को पकड़ने की बात हो रही है, और जब कुछ बड़ा पकड़ में आता है तो छोटा अपने आप छूट जाता है। जैसे मैं आप लोगों से ही पूछूं तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है जॉब बदले हों, बिजनेसेस बदले हों, तो जब हम बदलते हैं तो कोई अच्छा बिजनेस पकड़ लेते हैं, कोई बड़ी जॉब ले लेते हैं एक जगह से छोड़ करके, तो जब कोई पूछता है कि अभी आपने वो जॉब छोड़ दी, तो हम ये नहीं कहते कि अब मैंने ये जॉब छोड़ दी, बल्कि हमें कहते हैं हमने दूसरी जॉब शुरू कर दी है ना, या दूसरा व्यवसाय। तो हम बड़ी चीज को पकड़ रहे हैं। यहां भी जब तक मानव जाति को इंद्रिय सुख से बड़ा सुख, वैचारिक सुख, समाधान का सुख, न्याय में जीने का सुख, लक्ष्य का सुख, है ना, ये स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम उससे कितना ही कहें कि ये वाला भी छोड़ दो। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक व्यक्ति यदि लैडर पे चढ़ रहा है और हम उससे कहें कि भाई तुम्हें अगले पायदान पे पैर रखे बिना पिछले पायदान जो नीचे का पायदान उससे भी पैर हटा लो, तो वो घबरा जाता है, डर जाता है, हटाना संभव नहीं है। तो ये पूरा जो मैं सुबह भी बात हो रही थी कि पूरा अध्ययन जो है अमानवीयता से मानवीयता का एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, बुंडलेस प्रोसेस है ना, घायल हुए बिना गति करने का प्रोसेस है। इसका यही मतलब है कि जैसे जैसे मानव जाति को अध्ययन के द्वारा इस संबंधों का सुख पता चलेगा, अपने ही विचारों में हार्मोनी में जो सुख है ये पकड़ में आएगा, तो ये जो इंद्रियों के ऊपर जो उस दबाव बना हुआ है स्वयं स्फूर्त कम होता है। इसको हम सब लोग आंशिक रूप में, मैं भी इसके को बोल ही सकता हूँ कि सब लोगों में हम सब लोगों ने आंशिक सफलता पाई है, जो लोग भी परिचय शिविर करके अभी भी हम सब जुड़े हुए हैं, इसी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति ही मूल्य मूलक विधि से जीने का प्रमाण है, जिसमें निरंतर सुख की संभावना दिखने लगती है, और ऐसा होने से ही जो प्रिय हित लाभ वाले जो दबाव हैं वो नियंत्रित भी होते हैं, और जो मानव लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व जीवन मूल्य सुख शांति संतोष आनंद के अर्थ में जीना ही फिर लक्ष्य मूलक विधि से जीने का मतलब है, यही विश्राम अर्थात निरंतर सुख है। तो जो टाइट टाइट जो किया हुआ बाबा ने, कि जो आपने पहले भी सवाल जो आया था कि क्या अनुभव से कम में नहीं रुकेंगे, तो बाबा यही कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि निरंतर सुख से पहले मानव को तृप्ति नहीं है। तो पहला जो क्रिटिकल ट्रांजिशन है वो क्रिया पूर्णता का, वो अनुभव से कम में नहीं है, अर्थात श्रम से विश्राम से कम में नहीं है, यही विश्राम अर्थात जब तक मानव लक्ष्य और जीवन मूल्यों को नहीं पाया जाता है तब तक विश्राम या निरंतर सुख नहीं है। प्रकटन सुख रूप में है, मूल में शांति संतोष आनंद रहता ही है, क्योंकि जब हम सुख कह रहे हैं तो उसमें सुख शांति संतोष आनंद ये कंबाइंड समाया हुआ है। यहां पर वित्तीषणा की जो मैंने कहा था बहुत अच्छा लगा था मुझे, वित्तीषणा और है ना उसको डिफाइन किया है, सदुपयोग के अर्थ में न्याय दृष्टि पूर्वक धन बल कामना ही वित्तीषणा है। तो अभी जो
प्रचलित मानव समाज में, समुदाय में जो धनबल कामना है वो संग्रह और सुविधा भोग के लिए धनबल कामना है, इसलिए वो धनबल कामना जैसी लगते हुए भी वो वित्तीय श्रेणी में या मानवीय उसमें क्वालिफाई नहीं होती, क्योंकि मानवीय में क्वालिफाई होने के लिए सदुपयोग के अर्थ में न्याय दृष्टि पूर्वक धनबल कामना ही वित्तीषणा है। इसी तरह पुत्रीषणा क्या है, परिवार एवं समाज व्यवस्था के अर्थ में जनबल कामना की पुत्रीषणा संज्ञा है ना। और लोकेशणा अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में न्याय धर्म दृष्टि पूर्वक यशबल कामना ही लोकेशणा है, अर्थात अखंड समाज और व्यवस्था कैसे स्थापित हो, इसमें मुझे बढ़िया लगता है। एक बार साधन भाई से जब बात हो रही थी, बाई दब ये भी बता दूं कि कल साधन भाई का सेशन है, और साधन भाई मेरा ये आपसे आग्रह है सभी से कि अधिक से अधिक संख्या में सुने। साधन भाई बहुत कम इस तरह के उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा है, और वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं, तो जितने अधिक सवाल आप पहले यदि भेज पाएं तो मैं वहां की जो टीम है मानव तीर्थ में है ना, उनको बोल दूंगा, वो लोग सवालों को कंपाइल कर लेंगे और साधन भाई उसको अपने वक्तव्य में ही एड्रेस कर लेंगे। तो साधन भाई से किसी बात को हम जब पूछना चाहते हैं तो हमें बहुत सारा सवालों को पहले रखना पड़ता है, वहां पर जो है उपलब्धि है ना हमारी तरफ से ड्राइव करने से ही आती है। तो बिल्कुल जरूर समय से उसको सुने है ना, और मैं भी उसके लिए हमेशा इंतजार करता हूं। तो लोकेशणा एक बार जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो देखिए यशबल कामना का मतलब है कि समाज में अच्छे जो मानवीय ढंग से जीते हुए लोगों की पहचान होना, रोल मॉडलिंग होना, ऐसे लोगों को लोग पहचान पाए कि यार देखो ऐसे लोग हैं जो अच्छे से जीते हैं है ना, ये भी एक जीने का डिजाइन है। इस रूप में अपनी अपना अप स्वयं की और परिवार की पहचान का फैलाव, इसका नाम यश है ना। तो अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में न्याय धर्म दृष्टि पूर्वक यशबल कामना, ऐसी यश होना, ये बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, किसी ने अच्छा सवाल पूछा है कि दिव्य मानव में ऐसा नहीं है तो कार्य कैसे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसको ले लेते हैं, इसके बाद इसको क्लोज करते हैं है ना। तो विश्रामी लास्ट वाला पहले पूरा कर लेता हूं। तो समाधान कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है, और विश्राम जिसमें श्रम नहीं है ना, समाधान है जिसके द्वारा श्रम नहीं होता वह अनुभूति ही विश्राम है। जैसा मैंने कहा कि श्रम का अभाव नहीं है किसी भी क्रिया में, क्योंकि श्रम गति परिणाम निरंतर बना रहता है, लेकिन जिसमें श्रम का क्षोभ नहीं होता, अर्थात जिस चीज के लिए, जिस उपलब्धि के लिए श्रम किया जाता है उसी उपलब्धि को श्रम करने के बाद पाया जाता है, इस अर्थ में श्रम और श्रम से हुई उपलब्धि के बीच में जो गैप नहीं है, यही विश्राम का मतलब है। तो किसी ने लिखा अभी कि देखिए दिव्य मानव पद में ऐसा मुक्ति हो जाती है तो फिर काम कैसे करेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी तक हम जब अपने में देखते हैं मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, मैं क्यों करता हूं काम, तो हमें लगता है हमारे पास कुछ समस्याएं हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए मैं काम करता हूं, तो हमें लगता है हर आदमी किसी समस्याओं को दूर करने के लिए ही काम कर रहा होगा, और यदि वो समझदार हो जाएगा, समस्या मुक्त हो जाएगा, तो उसमें मोटिवेशन ही क्या होगा, क्योंकि अभी हमारे सारे के सारे मोटिवेशन कहीं ना कहीं भय और प्रलोभन से ही आ रहे हैं। तो सही अर्थ में मोटिवेशन, तो जब मैं सुखी हूं फिर जो दूसरों के लिए, तो करुणा और पीड़ा, तो पीड़ा बस काम करना और करुणा बस काम करना है ना, ये दोनों में बहुत बारीक अंतर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो जो दिव्य मानव है वो करुणा बस काम कर रहा है, यही दूसरों के अपनी विकसित होने का प्रमाण, दूसरों के विकास में सहायक होना ही प्रमाण है, इसलिए उसका जो कार्य करने का कार्य निरंतर बना रहता है, दूसरों को समझदार बनाने के लिए ही क्रियाशील लगाता रहता है, क्योंकि क्रिया की प्रकृति इकाई है तो वो निरंतर क्रियाशील है, क्रिया बनी ही रहती है, केवल उसका जो डोमेन है वो पीड़ा नहीं होकर के अब करुणा हो जाता है, यही अति मानवीय स्वभाव के रूप में व्यक्त होता है। तो मुझे लगता है एक घंटा हो गया है, और मुझे बहुत ही तृप्तिदायक रहा आप सबके साथ इंटरेक्शन, और मुझे लगता है कि हम सब मिलजुल करके इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं और क्वेश्चंस को रखें। और एक और मजेदार बात जो बाबा ने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी के समाज में सवाल पूछने को हम विद्वता मानते हैं, एक्चुअली सवालों के जीने योग्य उत्तर होना यही मुख्य रूप में प्रधान विद्वता है। तो सवाल तो जीने के अर्थ में रहेंगे ही जब तक हैं, लेकिन ये जो सवाल करता है उसकी जिम्मेदारी है उन सवालों के उत्तर को, व्यवहारिक उत्तर को पाना,
हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है, क्योंकि सवाल का मतलब है हम एक द्वंद में है, इनर कंफ्लिक्ट में है। इस इनर कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना प्राइमरी जिम्मेदारी हमारे अपने साथ है, और इसको पूर्ति करना हम सबकी परस्परता में जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सुबह के सेशन के लिए है ना, यश बल कामना क्यों ये समझाएं। तो बिल्कुल भैया, यश बल कामना इसलिए है क्योंकि हम सब एक समाज का हिस्सा हैं, हम सब कनेक्टेड वर्ल्ड हैं। यदि मैं और आप यदि कोई अच्छी चीज के साथ हैं, और ये देखिए कितनी सुखद बात है, हमें जो भी चीज अच्छी लगती है हम उसको लोगों तक बताना ही चाहते हैं, तो यह बात लोगों तक पहुंचे है ना कि मैं अच्छे से कोई चीज को जी पा रहा हूं, इसको लोग पहचाने और वो प्रेरणा पाए। इस अर्थ में अच्छाई को फैलने के अर्थ में है ना, अच्छाई फैल पाए, एक लोग उससे प्रेरणा पा पाए है ना, इस अर्थ में यश की कामना की बात है, और ये बहुत ही मानव में स्वाभाविक है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। सुबह 9:30 बजे साधन भाई विश्राम की बात नहीं कह रहे हैं, विश्राम का यहां मतलब है, बहुत स्पष्ट मतलब है विश्राम का, कि मेरे में जो भी मैं श्रम करता हूं, जो भी मैं गति करता हूं, जो भी मैं कार्य करता हूं, उस श्रम के पहले ही मानव में उसकी उपलब्धि की एक कामना सन्निहित रहती है। उस जिस कामना से श्रम को किया गया, यदि वही उपलब्धि हो जाती है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें श्रम का क्षोभ नहीं हुआ, और उसी स्थिति को विश्राम कहा जा रहा है। तो विश्राम जिसमें श्रम नहीं समाधान है, जिसके द्वारा श्रम नहीं होता है, वह अनुभूति ही विश्राम है। यहां तक हम लोगों ने कल अध्ययन किया था, इसके आगे पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, देखिए, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय, बोध करने कराने वाले अंग को बुद्धि, और सह अस्तित्व में अनुभूति करने वाले जीवन में अंगभूत आत्मा और समस्त आत्माओं के आधारभूत सत्ता की अध्यात्म व परमात्मा संज्ञा है। तो आज जो साधन भाई ने बहुत ही अच्छे से मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा, जो पांचों डिफरेंट लेवल्स हैं जीवन में, या मेरे में ही मैं कुछ चीजें जो अपनी इच्छा अनुसार करता हूं, तो यहां पर कह रहे हैं इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय कहते हैं। तो जब तक मेरी इच्छा नहीं होती है, तब तक मुझे स्वाद भी नहीं आता है ना। ऐसा हम सब लोगों ने बहुत सारे चीजों में अनुभव किया होगा कि यदि किसी वजह से हमारा मूड ठीक नहीं है, तो हमें वही खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो इंद्रियों की गति है वो इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय कह रहे हैं। इसी तरह से बुद्धि, जो वृत्ति की जो बात है, जो साधन भाई कह रहे थे कि वृत्ति जैसे मन है वो जो चयन और आस्वादन करता है, इसी तरह से वृत्ति है जो तुलन और विश्लेषण करता है ना। तो विश्लेषण किस तरह से क्रियावादी है ना, कालवादी और निर्णयवादी में बांट देता है, ऐसे ही बुद्धि वो अंग है या वो स्थिति है जीवन में, वो बल है जो कि बोध कराती है ना, सच्चाइयों को समझने की जो ताकत के साथ है। इसी तरह से सहस्तित्व में जो अनुभूति करता है जीवन में, एक आयाम है जिसको आत्मा कह रहे हैं, और समस्त आत्माओं की आधारभूत सत्ता को अध्यात्म या परमात्मा या व्यापक, जिसको अपन लोग हमने इसको पहचाना। आवश्यकता तथा उपयोगिता का निर्णय, उपरोक्त तीन तृप्ति कारक, तो हम लोगों ने तीन तृप्तियों की बात की थी, तीन तृप्ति कारक अथवा सुख कारक लक्ष्य भेद से निर्णय किया जाता है। तो तीन तरह की तृप्तियां हैं, तीन तरह के सुख हैं है ना। एक है इंद्रिय सुख, लेकिन इंद्रिय तृप्ति क्षणिक होती है, जो कि आज भी साधन भाई ने कहा कि ये परिवर्तनशील है, और मानव चूंकि निरंतर सुख की खोज में है, तब तक चिंतन क्षेत्र या साक्षात्कार शुरू नहीं होता है, जहां जीवन में ही एक वो ताकत है, एक बल है चिंतन और साक्षात्कार के रूप में, जिसको कह रहे हैं, जहां पर जो अपरिवर्तनीय वास्तविकता है उसको पकड़ने की, उसको पहचानने की ताकत से मानव है। तो इंद्रिय तृप्ति क्षणिक होती है, बौद्धिक तृप्ति दीर्घ परिणामी है, तथा अनुभव जो लक्ष्य मूलक तृप्ति है वह नित्य अथवा अपरिणामी सिद्ध होती है। और प्रिय प्रिय विषय सापेक्ष, आज भी इसकी अच्छे से चर्चा हुई मॉर्निंग सेशन में, हित अहित, हितकारी अहितकारी, शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हित अहित शरीर सापेक्ष, लाभ हानि वस्तु सापेक्ष, वस्तु असेवा सापेक्ष,
न्याय और अन्याय व्यवहार सापेक्ष, धर्म और अधर्म है ना समाधान सापेक्ष या व्यवस्था सापेक्ष, और सत्य असत्य सह अस्तित्व में अनुभव सापेक्ष पद्धति से स्पष्ट होता है। तो जिस तरह से जो वृत्ति में छह तुलन करने की हमारे में दृष्टियां हैं है ना, उनका डिटेलिंग यहाँ पे की हुई है। प्रिय विषय प्राप्त होने पर क्षणिक तृप्ति होती है और अप्रिय विषय प्राप्त होने पर इंद्रियां तृप्त नहीं होती। तो देखिए, अप्रिय विषय होने पर तो तृप्ति है ही नहीं, प्रिय विषय होने पर भी तृप्ति जो है वो क्षणिक है ना। इसलिए हमें जो निरंतर तृप्ति वाली चीजों को पहचानने की आवश्यकता, क्योंकि मानव निरंतर तृप्ति के साथ जीना चाहता है। हृदय के तृप्त होने पर हित तथा स्वास्थ्य लाभ होता है और हृदय के अतृप्त रहने पर अहित तथा स्वास्थ्य लाभ नहीं। देखिए एक और इंपॉर्टेंट इसमें बात करें तो इंद्रिय तृप्ति तो सामयिक प्रतिक्रिया है। तृप्ति का क्या मतलब है? आंदोलनों से मुक्त क्रिया ही तृप्ति है, अर्थात शरीर पर्यंत हृदय के संवर्धन और संरक्षण की अक्षुण्णता या निरंतरता इसके क्रिया एवं गति के संतुलन से ही बनी रहती है। तो इस क्रिया एवं गति का घटिया बढ़ जाना, तो आप ये पाएंगे कि नॉर्मली जब भी हम आंदोलित होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि जब हम बहुत सैड होते हैं या गुस्से में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, भय में होते हैं, है ना, तो ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरह से जो हृदय की गति कम ज्यादा हो जाती है ना। जैसे हम जब गुस्से में होते हैं तो हृदय की गति तेज हो जाती है, तो इस तरह के इमोशंस में घटना बढ़ना जो गति है उससे पता चलता है कि हृदय तृप्त नहीं है, है ना, अर्थात शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इंद्रिय तृप्ति से हृदय तृप्ति हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन हृदय तृप्ति से यानी शरीर यदि स्वस्थ रहता है तो उससे इंद्रिय तृप्ति उसमें समाई रहती, क्योंकि गुरु मूल में लघु मूल समाया रहता है। अगला सूत्र वही है ना, तो गुरु मूल में लघु मूल नहीं, अगला सूत्र लाभ के बारे में जो कह रहा है कि लघु मूल के बदले गुरु मूल को की प्राप्ति लाभ है ना। तो क्या मतलब हुआ कि लघु मूल के बदले गुरु मूल का जो प्रदाय है वो तीन परिस्थितियों में होता है। या तो हम लघु मूल्य के बदले कोई गुरु मूल्य किसी को देते हैं, उसका कारण या तो हम व्यवस्था है, कोई मजबूरी है, स्वेच्छावश भी ऐसा हो सकता है, और अज्ञानवश। तो स्वेच्छावश कब होता है? उदारता पूर्वक स्वेच्छावश होता है। उदारता पूर्वक हम लघु मूल्य के बदले है ना हम गुरु मूल्य को प्रदाय करते हैं, तो उदारता को प्रदर्शित करता है। दया कृपा करुणा में भी ऐसा होता है कि जहां स्वेच्छावश लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का प्रदाय किया जाता है। समस्त व्यवहार, मानव का समस्त व्यवहार, कुल और कुल व्यवहार छह दृष्टियों में ही दिखाई देता है। प्रिय अप्रिय दृष्टि, हित अहित दृष्टि, लाभ हानि दृष्टि, न्याय अन्याय की दृष्टि, व्यवस्था अव्यवस्था या धर्म अधर्म की दृष्टि, समाधान समस्या की दृष्टि उसको कह सकते हैं, या सत्य और असत्य की दृष्टि। तो अमानवीय दृष्टि से युक्त मानवों का व्यवहार मात्र तीन दृष्टियों यथा प्रिय हित और लाभ के आश्रय में है। तो जो अमानवीय दृष्टि है उसमें तीन ही दृष्टियां देखने को मिलती हैं, प्रिय हित और लाभ। मानव के लिए आवश्यकीय व्यवहार न्यायपूर्ण नियमों का पालन है तथा आवश्यकीय विचार। तो मानव पद में यदि अपन देखेंगे तो आवश्यकीय व्यवहार और विचार न्याय और धर्म की सीमा में डिफाइन होता है, अर्थात न्यायपूर्ण नियमों का पालन करने से और समाधान पूर्ण विचार करने से ही मानव निरंतर सुख को अनुभव करता है। उपरोक्त सूत्र के विपरीत नियमों का पालन ही मानव के लिए आवश्यक नहीं है या अनावश्यक है। उपरोक्त अनुसार समस्त जीव अर्थात पशु पक्षी, वैश्विक सामुदायिक प्राणी तथा मानव, तो यदि हम इस तरह से देखते हैं तो यदि जो प्रियहित लाभ, तो जो पशु जगत है जिसमें आंशिक रूप में प्रियहित लाभ की दृष्टि देखने को मिल रही है, उसको कह रहे हैं कि वो वैश्विक विषय जिसकी अपन ने बात की थी, आहार निद्रा भय प्रजनन, तो विषय और समुदाय तक सीमित है उसका जीना, जबकि जो मानव है वो बेसिकली न्याय से उसकी जीने की शुरुआत होती है और समुदाय की बजाय समाज सामाजिक इकाई सिद्ध होता है। समाज का मतलब है अखंडता से, है ना, कहने के लिए हम लोग बोलते हैं जैन समाज, अग्रवाल समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, बट एक्चुअली या अमेरिकन समाज
तो यदि यूरोपियन समाज, यदि हम इसको सही अर्थ में यदि देखेंगे तो ये समाज केवल हमारी भाषा है, उसके आचरण से देखने से पता लगता है कि ये सब समुदायगत मानसिकता में है। समाज का मतलब ही होता है जहां मानव जाति एक को हम पहचान लेते हैं, तो समाज की शुरुआत सार्वभौमिकता से है, अखंडता से है, इससे पहले तक वो समुदाय है। तो मनुष्य का जीने का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो न्याय और समाज में जीने की बात है, अर्थात मानव पद वहां से शुरू होता है जब मानव हर मानव जाति को एक के रूप में पहचान पाता है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दो पैराग्राफ लिखे हैं, बहुत ही अच्छे लिखे हैं, बहुत मार्मिक ढंग से इसको डिफरेंस को बताया है, किस तरह से पशु में और मानव में क्या विशेष अंतर देखने को मिलता है। सामान्यतः पशुओं की सामुदायिकता का भास भय की अवस्था में परलक्षित हुआ है। तो पशुओं में जो एकत्रित होने की बात है, साथ साथ होने की बात है, सामान्यतः वो भय की वजह से दिखता है। किसी भी स्थिति में पशुओं की सामुदायिकता का भास अध्ययन, उत्पादन तथा व्यवस्था कार्य में परलक्षित नहीं हुआ है, कि पशु कभी साथ में आ गए हों कि चलो मिलकर अध्ययन करते हैं, किसी उत्पादन में भागीदारी करते हैं, ऐसा नहीं पाया जाता। जबकि जागृत मानव में सामाजिकता का यदि कोई आधार बनता है, मूल आधार बनता है, रूट कॉज जो बनती है, वो समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व में जीने के आधार पर ही जब हम एकत्रित होते हैं उसको कह रहे हैं कि वो सामाजिकता का काम हुआ। पशुओं में आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, ये चार विषय ही प्रसिद्ध हैं, जबकि जागृत मानवों में सामान्यतः ईषणात्रय अर्थात पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा और तथा विश्राम सहज रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व में प्रमाण होना पाया जाता है। विश्राम ही दुख का अनुमूलन तथा भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोक्ष वाला जो मुद्दा है, कई कई जगह हम इस बात को आदर्शवाद में भी आई है कि भाई मोक्ष क्या है, तो अधिकतर मोक्ष को जन्म मरण से मुक्ति को मोक्ष कहा गया है, जितना मेरी समझ बनी है। यहां पर कह रहे हैं भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है, है ना, क्योंकि शरीर लेना देना, क्योंकि अभी तक अधिकांशतः शरीर के साथ जुड़े हुए दुख को मैं दुख, हम मानव जाति दुख मानता है, इसलिए कई बार कहते भी हैं कि शरीर में रहेगा तो दुखी होगा ही, क्योंकि वहां पे दुख को डिफाइन कर रहे हैं, बुढ़ापे को दुख कह रहे हैं, बीमार हो जाने को दुख कह रहे हैं, है ना, और फिर ये कहते हैं कि शरीर रहेगा तो बीमारी और बुढ़ापा तो आएगा ही, इसलिए ऐसा मानते हैं कि शरीर के साथ दुख जुड़ा हुआ है। यदि लेकिन जब भी जैसे ही मानव अपने को जीवन के अमृत के स्वरूप में पहचानता है, है ना, शरीर की नश्वरता को भी पहचानता है, और इसलिए भ्रम मुक्ति मोक्ष है, और शरीर का लेना छोड़ना अपने आप में कोई सुख और दुख का कारण सिद्ध नहीं होता है। और ये भी बहुत अभी आजकल मैं देख रहा था कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या यूएस वगैरह भी है ना, वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को तो काफी बढ़ा दिया, लगभग 78 के आसपास है, इंडिया में भी इसी को देखेंगे तो लगभग 65 ईयर्स है। लेकिन हमने एक तरफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति की सार्थकता को नहीं बढ़ा पाए। तो ये जो बहुत एक बड़ी ड्राइव चली हुई है कि अधिक से अधिक, अधिक ज्यादा से ज्यादा आदमी कैसे जी सके, मुझे लगता है अब नेक्स्ट फेज ये आएगा कि मानव सार्थकता पूर्वक कैसे जी सके, माने उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी सार्थकताएं यदि समझदार हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि 60, 62, 63 तक लगभग अधिकतर कंट्रीज में, है ना, मानव ह्यूमन बीइंग्स रिटायर हो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए क्या सार्थक करना ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्र लॉन्गिविटी को बढ़ाया जाए, लेकिन साथ ही साथ सार्थकता को बढ़ाने के ऊपर शायद अभी तक देशों ने ध्यान नहीं दिया है। इस पर मुझे लगता है आगे आने पर अपने स्पष्ट देख भी पाएंगे कि एक्चुअली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यदि अनुभव संपन्न मानव हो पाता है, मानव पद में आ पाता है, तो वो देव मानव और दिव्य मानव पद में पहुंच करके और बहुत सारे लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम हो सकता है, और मानव हमेशा हमेशा एक सार्थक जिंदगी को जी सकता है। और इसको हम लोगों ने बाबा के साथ 96 की एज तक जीते हुए इस बात को फील किया, और इस बात को हम लोगों ने देखा किस तरह से हम सभी लोग, है ना, उनके साथ रहते हुए अपने को सौभाग्यशाली मानते थे, जबकि बाबा अपने अंतिम समयों में बहुत कम उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, लगभग लगभग 2-3 घंटे ही शायद चर्चा हो पाती थी, इसके बावजूद
कहने का मतलब है कि आदमी उम्र बढ़ने के साथ हमेशा और अधिक अधिक उपयोगी हो सकता है, इस बात को शायद हम सबको पहचानने की जरूरत है। तो विश्राम ही दुख का अनुमूलन तथा भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। सृष्टि का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य विश्राम है। इसका प्रमाण जागृत मानव परंपरा ही है, इसलिए हर भ्रमित मानव भी विश्राम के लिए व्याकुल रहता है। समाधानी विश्राम है, यही अभ्युदय है। सह अस्तित्व में चारों अवस्थाओं और चारों पदों का अपने अपने लक्ष्य के लिए किया जाने वाला क्रियाकलाप ही सारी सृष्टि है। तो सारी सृष्टि क्या है कि सह अस्तित्व में चारों अवस्थाओं और जो चारों पद हैं उनमें जो हर प्रकृति अपना अपना अवस्था कुछ काम कर रही है, यही पूरी बेसिकली यदि अपन सारी संपूर्ण सृष्टि को देखेंगे तो इतना ही है। मानवीयत्वर जीवों में जो ज्ञान उपयोग में आया है उसे सामान्य ज्ञान संज्ञा है, और मानव द्वारा जो व्यवहारित ज्ञान है वह दो वर्ग में दिखाई देता है, ज्ञान सम्मत विवेक और विज्ञान, है ना। तो विवेक और विज्ञान संपन्न होने के कारण ही मानव ने विश्राम को पहचाना है। तो मानव विश्राम को पहचान ही इसलिए पाता है क्योंकि उसमें विवेक और विज्ञान संपन्नता का बीज है, या विज्ञान विवेक और विज्ञान संपन्न होने का क्षमता है, तथा इसके लिए समुचित प्रयोग भी किया है, जो सृष्टि के कार्य का उद्देश्य भी है और फल भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी सृष्टि के कार्य का उद्देश्य और फल भी बेसिकली मानव, है ना, विश्राम को पा जाए या क्रिया पूर्णता को पा जाए और आचरण पूर्णता को पा जाए, या मानव समाज स्वयं किस तरह से एक अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में अपने को व्यक्त कर पाए। अगला पैराग्राफ, फल भोगते समय में है जबकि पशु कर्म करते समय भी और फल भोगते समय भी परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र तथा फल भोगते समय भी स्वतंत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा फल जिसको मैं चाहता ही हूं उसको भोगना मेरे लिए स्वतंत्रता है। ऐसा फल आना जिसको मैं चाहता नहीं था लेकिन मुझे भोगना पड़ रहा है, इसका मतलब है परतंत्रता। तो भ्रमित मानव कर्म करने में, तो देखिए कर्म करने में हम सब स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में कल्पनाशीलता नामक, है ना, डिजाइन बनी हुई है जिसके फल स्वरूप में कर्म करने में स्वतंत्र हो जाता हूं। जिसको आज हम लोगों ने सुबह के सत्र में साधन भैया ने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया कि चित्रण ही इच्छा है। किस तरह से हमारे में चित्र ग्रहण और नए नए चित्र निर्माण क्रिया होती है उसी को इच्छा भी कह रहे हैं, तो एक या कल्पनाओं का समूह भी कह रहे हैं। तो कल्पनाशीलता की वजह से मैं कर्म करने में स्वतंत्र हो जाता हूं, लेकिन फल तो नियति सहज नियमों के अंतर्गत आता है। तो कर्म करना मेरी स्वतंत्रता है लेकिन फल तो नियति सहज सिद्धांतों के तहत ही आता है। इसलिए यदि कर्म करने से पहले मेरी कल्पनाशीलता में नियमों की स्पष्टता नहीं है तो ऐसे फल आते हैं जिनकी, जो मेरे लिए अप्रिय हैं, जो मेरे लिए स्वीकृत नहीं है, फल स्वरूप उनको मैं भोगना नहीं चाहता लेकिन उनको भोगना पड़ता है। इसका नाम है कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं लेकिन फल भोगने में मैं परतंत्र हूं। जबकि पशु में तो बहुत स्पष्ट ही है कि वो कर्म करते समय भी, फल भोगते समय भी परतंत्र है। किस तरह से? कि उनमें जो भी विषय है, जैसे पशु में जो प्रजनन क्रिया का या जो जो उनमें जो वातावरण के आधार पर वो चीजें होती हैं, तो बहुत सारी जो डिजाइन है पशु में वो वातावरण के आधार पर परतंत्रता या शरीर के आधार पर या वंशानुसंगीयता के आधार पर, उनमें कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो एक गाय जबकि वो घास खास खाती ही है वहीं पर दूसरे भी चीजें रखी रहती हैं, वो ऐसा ट्राई नहीं करती, चलो इसमें भी मुंह लगा के देखती हूं इसका कैसा टेस्ट आता है। जबकि बच्चा है ना, एक महीने दो महीने के बच्चे का भी उसको कुछ हाथ में दिया जाता है, हर चीज को वो टेस्ट करना चाहता है ना, मुंह में दे करके देखता है बहुत सारी चीजों को। जैसे ही वो घुटने के बल चलता है तो है ना, माता पिता को, अब बड़े 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 बुजुर्गों को ध्यान रखना पड़ता है कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो हर जगह चीजों को, है ना, या उसमें जिज्ञासा दिखाई देती है, क्यूरियोसिटी दिखाई देती है। जबकि गाय भी ऐसा कर सकती है कि वो अपने कई चीजों को उतनी, माने उसके शरीर में कम से कम इतनी स्वतंत्रता दिखाई देती है कि वो कई जगह मुंह लगा के देख सकती है, बट ऐसा करते हुए उसमें ऐसी कल्पना का उदय नहीं होता है। इससे पता चलता है कि वो वंश शरीर के गत अर्थ में वो उस अर्थ में परतंत्र है ना, या उसमें वो स्वतंत्रता नहीं है। और जागृत मानव, चूंकि कर्म करते समय तो हम सब स्वतंत्र हैं,
उनको उस पहले ही ये ज्ञान रहता है कि इसका क्या फल आएगा, और जो भी कार्य होता है सुखद फल आता है, सहस्तित्व के अर्थ में फल आता है, अभयता के अर्थ में फल आता है, समृद्धि के अर्थ में फल आता है, समाधान के अर्थ में फल आता है, उभय तृप्ति के अर्थ में फल आता है। इसलिए उस फल को सहज स्वयं स्वीकारते हैं, दूसरे भी उसको स्वीकारना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो कर्म करने में स्वतंत्र है। तो कर्म की स्वतंत्रता के फल स्वरूप ही मानव को जितना उन्नत अवकाश है, उन्नत माने ऊंचाई को छूने का, है ना, ऐसा बोलते भी हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, स्काई इज द लिमिट। तो कर्म की स्वतंत्रता के फल स्वरूप मानव को जितना उन्नत अवकाश है, यहां पर स्काई इज द लिमिट माने एक मानव पूरी धरती पर, है ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए सूत्र का काम कर सकता है ना, तो हमें जीने का एक उन्नत अवकाश है, लेकिन उतना ही अवनत अवकाश भी है, अर्थात अवनत माने नीचे गिरने का भी अवकाश है, जिसको हम पशु चेतना या राक्षसी चेतना की बात कर रहे हैं, या शोषण करने का। जैसे कहा था कि मानव चूंकि सर्व विकसित इकाई है, इसमें पोषण और शोषण, है ना, अधिकतम विकसित होने की वजह से अपने से कम विकसित का शोषण भी करने का अवसर रहता है, तो उस तरह से अवनत अवकाश भी है। फलतः इसीलिए मानव ने सामान्यतः क्रमशः ईषणाओं अर्थात वित्तीषणा पुत्रेषणा लोकेषणा धन जन और यश बल तथा मोक्ष के द्वारा विश्राम को पाने का प्रयास किया है। मोक्ष का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान है, ब्रह्म मुक्ति है, इसे प्रमाणित करना ही जागृति है। पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि विकसित इकाई में अविकसित इकाई के अथवा विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि के सभी गुण स्वभाव एवं धर्म विलय रूप में रहते ही हैं। तदनुसार मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन, क्या साधन लेके आता है, शरीर रूपी साधन लेकर जन्मता है, क्योंकि परंपरा में हर मानव चेतना का पाया नहीं। इसलिए सन 2000 तक, बाबा जब ये किताब लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं उसको कि आज तक जीव चेतना में जिया, क्योंकि मानव चेतना को नहीं पा पाया। मानव जाति एज ए होल, है ना, कोई व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है, कुछ व्यक्ति कहीं अपनी अच्छी स्थितियों में पहुंचे ही हैं, इसको नहीं नकारा जा रहा है, लेकिन हर मानव तो ऐसा नहीं जी पाया। जीव चेतना में गलती करता ही है। उदाहरणार्थ एक अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाता है, अवश्य अध्यापक तो सही ही पढ़ाता है और सबको समान रूप से संबोधित भी करता है, फिर भी विद्यार्थी गलती करते हैं। इससे यह पता लगता है, सिद्ध होता है कि बालक के मन मस्तिष्क में भ्रमवश गलती करने की प्रवृत्ति है ही। तो जब तक हमारी चेतना का विकास नहीं होता है, या जब तक चैतन्य चिंतन पक्ष या साक्षात्कार शुरू नहीं होता है, जब तक मैं निरंतर होने वाली वस्तुओं को नहीं पहचान लेता हूं, तब तक गलती करने की प्रवृत्ति बनी ही रहती है। इसी के साथ यह भी सिद्ध होता है कि मानवीय वातावरण व अध्यापन अर्थात अध्यापक के बोध कराने की क्षमता के आधार पर वही विद्यार्थी पुनः सही करने में भी समर्थ होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण तथा अध्ययन प्रत्येक मानव को एक अवसर व आवश्यकता के रूप में मौलिकतः प्राप्त है, एवं जीव चेतना में जीते हुए सही करने की प्रवृत्ति का साक्ष्य है, प्रमाण है। क्या बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से लिखा है कि भ्रमित होते हुए भी सही को, यदि वो वातावरण मानवीय वातावरण अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है, तो हर मानव सही, वही बच्चा जो शुरू में गलती करता है, अध्यापक के बार बार बताने से सही भी करने की ताकत उसमें बनी रहती है और वो सही करना ही चाहता है। इसलिए बच्चों के सुंदर या सफल भविष्य के लिए हम बड़े लोगों को ऐसे मानवीय वातावरण को निर्माण करने की आवश्यकता दिखाई देती है। मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उत्पादन कार्य एवं प्रयोग किया है। उत्पादन एवं प्रयोग का फल ही अर्थोपार्जन है। प्रत्येक मानव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सूत्र मुझे लगता है, और कि मानव में एक सहज रूप में पाया जाता है कि हर मानव प्राप्त अर्थ की अर्थात उसने जो भी उत्पादन और प्रयोग द्वारा जो उत्पादित अर्थ पाया है, उसकी वो सुरक्षा और सदुपयोग चाहता है। तो हम सब में से कोई भी नहीं चाहता कि उसके रिसोर्सेज का, है ना, दुरुपयोग हो जाए या वो असुरक्षित हो जाए। तो अपने अपने योग्यता, अब देखिए क्या हुआ इससे, चूंकि हर मानव अपने अर्थ की सुरक्षा सदुपयोग चाहता है, तो अपनी अपनी योग्यता क्षमता एवं पात्रता के अनुसार प्रत्येक भ्रमित मानव ने अप्राप्त अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना से व्यक्तिगत नीति निर्धारण किया, जिससे मतभेद उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप मानव ने सार्वभौम सिद्धांत पूर्ण व्यवस्था के संबंध में
अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, जिससे एक मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत हुआ जिसका जो इस तरह से है कि मानव सही में एक तथा गलती में अनेक है। क्या बहुत बहुत ही गजब की बात है। एक तो ये कहा कि मानव जाति, चूंकि हर मानव अपने तन मन धन रूपी अर्थ का सुरक्षा चाहता है, सदुपयोग चाहता है, और जब जैसे जब हम एक ही घर में रहते हैं, चार लोग हैं, हम अपने धन को कैसे सदुपयोग, जो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको सदुपयोग मानता है ना, और उसमें एक मतभेद पैदा होता है, तो इससे ये पता लगता है, तो फिर किसी को खोज करना पड़ता है यार सही गलत होता क्या है फाइनली। तो और इससे मुझे ये जो सूत्र है मानव सही में एक तथा गलती में अनेक है, क्योंकि आजकल तो जो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये बात बहुत कॉमन दिखाई सुनाई देती है, चर्चाओं में आती है कि भैया है ना राइट एंड रॉन्ग तो ऐसा होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग यूनिवर्सैलिटी, है ना, यूनिवर्सली तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ परसेप्शन। जबकि यहां कहा जा रहा है ऐसा नहीं है, सही और गलत होता ही है ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है। फिर सवाल कई बार मैं ये सोचता हूं कि यार ऐसा कैसे कहने लगे लोग कि सही गलत कुछ नहीं होता है। तो देखिए, जब प्रिय अप्रिय की सीमा में हम चूंकि अभी जितना भी सही गलत को पहचानते हैं, हमारी सीमाएं प्रिय हित और लाभ की ही हैं, और इन तीनों में चूंकि ये शरीर से जुड़ी हुई हैं, वस्तु से जुड़ी हुई हैं, वस्तु और शरीर स्वयं में परिवर्तनशील है, इसलिए इनमें स्थायी रूप में सही और गलत को नहीं पहचाना जा सकता। इस अर्थ में इसमें सही और गलत अपना अपना ही रहता है ना। इस तरह से आदमी कंफ्यूज हो गया, जैसे मुझे रसगुल्ला पसंद है, हो सकता है आपको नमकीन पसंद हो, इसमें सही और गलत नहीं है, ये अपना अपना परसेप्शन है, माने अपने अपने शरीर की सीमा में डिफाइन होने वाली बात है। मुझे हो सकता है कि चाय सूट करती है ना, आपको नारियल पानी सूट करता है, किसी को दूध सूट करता है, किसी को कोई चीज सूट नहीं करती है ना, उसके लिए अहितकारी हो जाती है, वही वस्तु मेरे लिए हितकारी हो सकती है, या एक ही समय में एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के लिए अहित और हितकारी हो सकती है। तो यहां पर जब हम इस छोटे से प्रवेश में, माने प्रियहित लाभ की सीमा में, शरीर की सीमा में, वस्तु की सीमा में, जब मैं सही और गलत को, चूंकि मानव जाति अभी तक यहीं पहुंची है, इस अर्थ में उनका ऑब्जर्वेशन एकदम ठीक ही है कि सही और गलत कुछ नहीं होता है, ये सब अपना अपना होता है। लेकिन जब इससे अधिक आगे के डोमेन में जाते हैं, जहां पर आदमी सही अर्थों में सुख को पहचानता है, सुख की निरंतरता को पहचानता है, नियमों को पहचानता है, सिद्धांत को पहचानता है, शाश्वत सच्चाइयों को पहचानता है, न्याय को पहचानता है, समाधान को पहचानता है, सत्य को पहचानता है, तब ये कहना बनता है कि नहीं, मानव सही में एक और गलती में ही अनेक होता है, सही में कोई विविधता नहीं है, जिसको अपने कहते ही हैं कि हर मानव सम्मान चाहता है, स्नेह चाहता है, विश्वास चाहता है, है ना, संबंध पूर्वक जीना चाहता है, प्रकृति के साथ भी हार्मोन में जीना चाहता है, अपने साथ भी जीना चाहता है, अपनों के साथ भी जीना चाहता है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें मैं तो चाहता हूं और दूसरा नहीं चाहता, या दूसरा नहीं चाहते या दूसरे चाहते हैं मैं नहीं चाहता। ऑफकोर्स इसकी जो मुख्य बात है कि जो मैं क्या चाहता हूं, अपने में निरीक्षण ही करके देखना पड़ता है। जितना एक अच्छा सिद्धांत मुझे इसमें दिखाई देता है कि जितना जितना मैं अपने को समझ पाता हूं, उतना ही उतना दूसरे को समझ पाता हूं, और जिस दिन अपने को पूरा समझ पाता हूं, उस दिन सबको समझ पाता हूं। ये बहुत ही ब्यूटीफुली समझ में आता है कि जिस दिन जीवन रूपी सच्चाई, क्योंकि अधिकतर नहीं तो ऐसा देखने में लगता है कि नहीं भैया मैं तो सम्मान नहीं चाहता हूं, मैं तो सही करना चाहता हूं, मेरे से तो गलती होती है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन से कई बार ऐसा हमें भ्रम पैदा होता है कि नहीं शायद दूसरे लोग तो जानबूझ करके गलतियां कर रहे हैं। तो अपने को जब जितना स्पष्टता से हम पहचान पाते हैं, तो पता लगता है दूसरे भी भ्रमवश ही गलती करते हैं, जिस तरह से मेरे से भ्रमवश गलतियां होती हैं। तो मानव, तब जाके ये सूत्र समझ में आता है कि वास्तव में मानव सही में एक ही है और गलती में अनेक है। और इसको बहुत सारे उदाहरण से अपन और देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे सूत्र लगता है। देखिए, जब तक आदमी सच्चाई को नहीं पहचान पाता, तब तक अनेकता है। जैसे ये धरती, जब तक हमें नहीं पता था कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हम गलतियों में अनेक ढंग से इसको पहचानते थे। कोई कहता था शेषनाग पर खड़ी है ना, कोई किसी को लगता था कि ये अधर में समतल की तरह लटकी हुई है ना। लेकिन जब से स्पष्ट हुआ कि नहीं, ये तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसके बाद से मानव जाति को अब इसमें, और ये स्पष्ट ही हो गया है कि तो जितना जितना सही पकड़ में आता है, चाहे वो लोहे के बारे में, पहले हम नहीं जानते थे, हमारे में विविधता थी,
ऐसा ही अब जीवन सहज संबंध सहज सच्चाइयों को जब पहचानेंगे, उसमें न्याय को पहचानेंगे, संबंध में निहित मूल्यों को पहचानेंगे, तो ये पता लगता है कि सारे विश्व में तो संबंध तो सात ही प्रकार के होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, वहां भी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, है ना, मित्र संबंध। और मजेदार चीज है, अपेक्षाएं भी उतनी ही रहती हैं, है ना, चाहे मुझे अपने बेटे से जो अपेक्षा है, सड़क पर जो ऑटो चला रहा है उसको भी अपने बेटे से वही अपेक्षा रहती है कृतज्ञता की, वो भी चाहता है कि उसका बेटा भी, है ना, अब स्वावलंबी हो जाए, समाधान संपन्न हो जाए, उसको भी किसी चीज की दिक्कत ना हो, है ना, अपनी आवश्यकताओं को भौतिक जगत में देखें और बौद्धिक जगत में देखें तो वो भी अपने संबंधों का ठीक से निर्वाह कर पाए, यही अपेक्षा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी है, यही अपेक्षा एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस को भी है। तो इस तरह से यदि अब सब संबंध की सार्वभौमता पहचान में आती है तो ये दिखाई देगा कि सिर्फ लोग बदल रहे हैं, है ना, उसमें काम करने वाले, रोल करने वाले लोग बदलते जा रहे हैं, संबंध तो शाश्वत दिखाई शाश्वत बना रहता है। तो इसी तरह से सारे संबंधों को देखा जा सकता है, क्योंकि जैसा अपन ने पहले देखा था, संबंध वह है जहां अपेक्षाएं निश्चित हो जाती हैं, निश्चितता का मतलब इसको पहचाना जा सकता है, चूंकि निश्चित हैं इसलिए उन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है, इस योग्यता से संपन्न हुआ जा सकता है। तो मानव सही में एक तथा गलती में अनेक है, सिद्धांत ही नियति, नियति ही नियम, नियम ही विज्ञान एवं विवेक, और विज्ञान एवं विवेक ही ज्ञान, तथा ज्ञान ही मूल में सिद्धांत है। और सिद्धांत को बहुत अच्छे से नीचे दिया है, एक्सप्लेन किया है, परिभाषित किया है कि जब नियम, प्रक्रिया एवं उपलब्धि जिस समय भाषा के रूप में अवतरित होता है, तो जहां जब नियम भी पता हो, उसकी प्रक्रिया भी पता लग जाए और उससे होने वाली उपलब्धि क्या है यह भी पता लग जाए, है ना, उसे सिद्धांत कहते हैं। प्रक्रिया का मतलब प्रक्रिया कार्य व्यवहार के रूप में है और फल परिणाम उसकी उपलब्धि के रूप में फलित होता है, और नियम क्रिया के संरक्षण एवं अनुशासन रीति ही, जो क्रिया किस तरह से नियंत्रित होती है, है ना, कैसे अनुशासित रहती है, वो नियम में ही अनुशासित रहती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कोई चीज को जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो अनुशासित रहती है, कैसे अनुशासित है या किस तरह से उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कितने समय में गिरेगी, ये सारा अनुशासन उस गुरुत्वाकर्षण रूपी नियम में समाया हुआ रहता है। मानवीयता के संरक्षण हेतु ही मानव सामाजिकता यथा मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था का अध्ययन, प्रयोग एवं पालन करना चाहता है, चूंकि यह चारों परस्पर पूरक हैं। कौन कौन सी चीजें, संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था, ये चूंकि चारों पूरक हैं इसलिए इनका अध्ययन, प्रयोग और पालन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे इसमें जो अच्छा लगता है, देखिए विधि जो है या संविधान के रूप में जो विधि पहचानी जाती है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय के लेवल पर, इसके रूट को देखेंगे तो विधि एक्चुअली मानव में समाई रहती है संस्कृति या संस्कार के रूप में, है ना। तो संविधान का मतलब कोई किताब लिखी हुई बात नहीं है, है ना, तो संविधान का मूल रूप में मतलब है कि मानव में वो संस्कार के रूप में समा जाए, मानव में विधि के रूप में स्पष्ट हो जाए। इसीलिए हर देश में यदि कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है और फिर वो कहता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इस नियम, इस देश में रहने का ये नियम है या ये संविधान में लिखा है, इसको कोई प्ली नहीं माना जाता, इसको कोर्ट में नहीं माना जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि विधि जो है वो तो वहां पर रहने वाले व्यक्तियों को पता ही होना चाहिए। इसी तरह से मानव जो इस धरती पर है उससे अपेक्षा यही है कि उसको मानवीयता पूर्ण जीने का स्वरूप क्या है यह उसको पता ही होना चाहिए, अर्थात उसको उसके लिए श्रम करके, है ना, हमें ऐसा जीने के स्वरूप को खोजना ही पड़ेगा और उसको सार्वभौमिक या लोक व्यापीकरण करना ही होगा, क्योंकि उसके अभाव में दुखी होने पर ये ब्लेम नहीं किया जा सकता कि नहीं नहीं मुझे तो मानवीयतापूर्ण विधियों का, व्यवस्था का आइडिया नहीं था, इसलिए मुझे ये जो संकट है या ये जो पीड़ा है ये नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मानव से जिस चीज की अपेक्षा है उसमें वो निहित, उसको ये श्रम करना ही पड़ेगा विश्राम को पाने के लिए। नियति का मतलब है भैया नियम पूर्ण स्थिति गति, है ना, तो नियम पूर्वक ही स्थिति और गति होती है, इसको पहचानने को, तो अस्तित्व में तीनों अवस्थाओं में प्राण पदार्थ और जीव जगत में ये होने रहने के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप में है, मानव में पुरुषार्थ पूर्वक, अध्ययन पूर्वक, समझदारी पूर्वक, अवधारणा पूर्वक, इसने को संकल्प पूर्वक इसको करने की बात कह रहे हैं। तो मानव को अध्ययन पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ही समझ में आता है कि उसके लिए विधि और निषेध क्या है।
विज्ञान एवं विवेकपूर्ण विचार, व्यवहार, अध्ययन, अध्यापन, उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रचार, विधि एवं व्यवस्था ही मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव द्वारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। तो मानव के द्वारा क्या कार्यक्रम होगा भाई? तो विज्ञान विवेकपूर्ण विचार करेगा, उस विचार के अनुरूप व्यवहार करेगा, अध्ययन करेगा, अध्ययन हो गया है या अध्ययनरत है सब, तो परस्परता में अध्यापन गुरु के सानिध्य में अध्यापन करेगा, उत्पादन करेगा क्योंकि समृद्धि का पक्ष अनिवार्य है, उत्पादन करेगा, उपयोग करे उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा, वितरण करेगा, प्रचार करेगा, विधि और व्यवस्था के लिए काम करके संरक्षण के लिए काम करेगा, यही सब मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव द्वारा सारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। विचार क्या है? तो जो आज सुबह बहुत अच्छे से साधन भाई ने बताया है ना, या स्पष्ट किया, तो जीवन में क्योंकि घटनाएं तो जीवन में घट रही हैं, है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नियम तो व्यक्तिगत नहीं है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम जब अधिकतर मैं लोगों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ भैया न्यूटन का नियम है, तो नियम तो न्यूटन का नहीं है, नियम तो प्रकृति का है, अस्तित्व का है ना, तो नियम तो इसी तरह से जो अपने में घटनाएं हो रही हैं उनका वर्णन किया जा रहा है, तो घटना तो जीवन में हो रही है, तो विचार रूपी जो घटना है, विचार रूपी जो प्रक्रिया है, वो प्रिय अप्रिय, हित हित, लाभ लाभ, अन्याय अन्याय, धर्म अधर्म तथा सत्य असत्य, तुलनात्मक वृत्ति की क्रिया के फलस्वरूप निश्चित विश्लेषण ही विचार है। और अध्ययन क्या है? तो अधिष्ठान अर्थात आत्मा और अनुभव की साक्षी में अर्थ बोध पूर्वक स्मरण सहित किए गए प्रक्रिया एवं प्रयास ही अध्ययन है। तो अपने ही अधिष्ठान अर्थात यहां आत्मा की साक्षी में और आत्मा और अनुभव की साक्षी, अनुभव किसका यहां पर अपन कह रहे हैं, अनुभव संपन्न व्यक्ति का, और प्रसाइजली कहें तो बाबा का, नागराज जी के अनुभव की साक्षी में अर्थबोध पूर्वक स्मरण सहित किए गए प्रक्रिया एवं प्रयास ही अध्ययन है। तो मैं ये कह रहा था कि नियम न्यूटन का नहीं है, ऐसे ही ये जो दर्शन है ये नागराज जी का नहीं है, है ना, दर्शन तो सह अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं उनके दर्शन को बाबा जी ने जैसा अनुभव किया पहचाना, जैसे न्यूटन ने पहला व्यक्ति हमारे अनुसार अभी समझ के अनुसार या प्रचलित उसमें न्यूटन, हो सकता है न्यूटन के पहले भी किसी ने गुरुत्वाकर्षण को पहचाना हो वो व्यक्त नहीं कर पाए, मानव समाज में न्यूटन एक पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचाना, तो नियम प्रकृति का है, उन्होंने उसको रखा उनके सम्मान में, उनकी कृतज्ञता बस हम उसको न्यूटन के नाम से पहचानते हैं, उस नियम को कहते हैं ऐसा, ऐसे ही नागराज जी ने जो दर्शन रखा उन्होंने स्वयं इसको कहा कि भाई देखिए ये तो अस्तित्व सहज सहज है ना, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित दर्शन है, तो दर्शन अस्तित्व में है, सच्चाई अस्तित्व में है, उसका अध्ययन करने वाला, क्योंकि कोई ना कोई मानव ही अध्ययन करता है, मानव में ही वो ताकत है, मानव जो जो ज्ञाता है, दृष्टा है, भोक्ता है ना, तो इस अर्थ में तो सच्चाइयां अस्तित्व सहज हैं, लेकिन हमारे उसमें अभी आज के समय में हमें ऐसा लगता है कि नागराज जी वो पहले व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हुए जिन्होंने इन सच्चाइयों को इस तरह तर्कसंगत विधि से रखा, और उसका जब मैं अध्ययन करता हूं तो मैं इसलिए नहीं मान लेता हूं न्यूटन के नियम को क्योंकि न्यूटन जैसा बड़ा व्यक्ति इसको कह रहा है, आइंस्टीन जैसा बड़ा व्यक्ति इसको कह रहा है, हजार लोग इसको है ना स्टैंपिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं उन सच्चाइयों को नहीं मानता, बल्कि उस नियम के आधार पर चलकर देखने पर वही फल परिणाम, इसलिए उसको सिद्धांत कहते हैं, नियम और प्रक्रिया और उससे जो घटित होने वाले फल वही आते हैं जैसा नियम में बताया गया। तो अध्ययन का यही मतलब है कि जैसा कहा जा रहा है, जैसा अनुभव की साक्षी में, नागराज जी के अनुभव की साक्षी में जैसा कहा जा रहा है, वैसा ही अर्थ बोध यदि मुझे हो जाता है उन सच्चाइयों से वही फल, और उन नियमों पर चल करके यदि मैं अपने में जो तृप्ति को पाता हूं, इससे प्रमाणित होता है कि ये जो कहा गया है ये ठीक नियमों को पहचाना गया। तो अध्यापन का मतलब ही है कि अनुभव मूलक विधि से अधिष्ठान की साक्षी में बोध और साक्षात्कार पूर्वक स्मरण सहित ग्रहण कराने योग्य सत्यता पूर्वक क्रियाओं को बोधगम्य बनाने वाली प्रक्रिया ही अध्यापन है। तो एक तरह से जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है वो अध्यापन कराता है। फिर प्रचार और प्रदर्शन क्या है? तो इच्छित वस्तु की सामान्य जनजाति के मन बुद्धि में अवगाहन कराने हेतु प्रस्तुत प्रक्रिया के भाषात्मक प्रयोग ही प्रचार है तथा कला एवं भाषा सहित प्रयुक्त प्रयास ही प्रदर्शन है। बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब जैसे किसको हम प्रचार और प्रदर्शन कहें, है ना, तो जो इच्छित वस्तु है माने जिसकी हर मानव को इच्छा है, किसकी, कि वो समाधान समृद्धि को पा जाए, अभयता को और सहस्तित्व को पा जाए, ये जो जन आकांक्षा है इसको जनजाति के
मन और बुद्धि में, मन से लेकर मन वृत्ति चित्त और बुद्धि में अवगाहन करा दें, उनको इसका की स्पष्टता करा दें। इसके लिए भाषा का जो प्रयोग है ना, उसको प्रचार कह रहे हैं, और कलात्मक ढंग से भाषा सहित प्रयुक्त प्रयास, जिसको अपन कह रहे हैं बहुत सारा जो मूवीज हैं, सिनेमा है, नाटक हैं, है ना, नुक्कड़ हैं, है ना, तो ये जो ड्रामा करते हैं, ये बहुत सारे चीजें एक्चुअली इनका सही अर्थ में जो उद्देश्य ये है कि जन सामान्य तक सच्चाइयों की स्पष्टता करा दी जाए। विधि क्या है? एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण निरंतर बनाने के लिए उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने हेतु निर्णित नियम पूर्ण पद्धतियों को, उसी को विधि कह रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाए। व्यवस्था विधि के आशय को, अब जो भी विधि, जैसे संविधान में जब सच्चाइयों को पहचाना गया, उसको लिखा गया, उस विधि को के आशय को कार्य रूप दिया जाए, क्योंकि विधि तो नियम के रूप में है ना, सिद्धांत के रूप में, उसी को कार्य रूप माने वो फलित हो जाए समाज में, तो ऐसा प्रदान करने के लिए जो परंपरा बनाई जाती है उसको व्यवस्था कह रहे हैं। तो विधि और व्यवस्था इस तरह से समझ में आता है। सह अस्तित्व सहज परंपरा के बिना सामाजिकता का निर्वाह नहीं हो पाता है। सह अस्तित्व में निर्विरोध और निर्विरोध पूर्वक जागृति, जागृति पूर्वक समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि पूर्वक सुख शांति, सुख शांति पूर्वक स्नेह, स्नेह पूर्वक विश्वास, विश्वास पूर्वक सह अस्तित्व प्रमाणित होता है, वह सह अस्तित्व में प्रमाणित होना ही, हो जाना ही जागृति है। तो सह अस्तित्व में निर्विरोध, निर्विरोध पूर्वक किस तरह से, जब हम है ना जागृति को व्यक्त करते हैं, जागृति का जीन के पूर्वक व्यक्त होने का मतलब है समाधान समृद्धि को व्यक्त करना, है ना, इस तरह से किस तरह से पूरा एक है ना चेन, एक विशियस साइकिल, सॉरी एक वर्चुअस साइकिल की जो बात कर रहे हैं उसको यहां पर रखा गया। सह अस्तित्व क्या चीज है? तो परस्परता में शोषण संग्रह एवं द्वेष रहित, उदारता स्नेह और सेवा सहित व्यवहार संबंध व संपर्क का निर्वाह ही सह अस्तित्व है। निर्विरोध न्याय एवं धर्म के प्रति निश्चय, निष्ठा एवं अभ्यास ही निर्विरोध है। समृद्धि अभाव का अभाव ही हो जाए, अर्थात पॉजिटिवली कहें तो अपने पास हर समय आवश्यकता से अधिक होने का भाव हो जाए, अथवा उत्पादन अधिक, अर्थात आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही समृद्धि का भाव है। सुख एक और इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहां पर जब कह रहे हैं तो समृद्धि केवल भाव नहीं है, भाव के साथ साथ वस्तु होना भी आवश्यक है, तो उत्पादन भी हो, आवश्यकताओं का निर्णय भी हो जो समाधान से होता है, और सही अर्थों में अपने पास आवश्यकता से अधिक होने की वस्तु भी हो और उसके साथ साथ उसके होने का भाव भी हो। स्नेह न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधिता का फलन ही स्नेह है। यह जागृत जीवन में वृत्ति से अनुरंजित मन की क्रिया है। तो जब कभी आगे मनोविज्ञान की बात करेंगे तो कैसे अलग अलग मन में क्या होता है, वृत्ति में क्या होता है, इस तरह से डिटेलिंग है। विश्वास जागृत परंपरा में निहित प्रत्याशा के सार्थक निर्वाह क्रिया की विश्वास संज्ञा है। तो जब जागृत परंपरा में मैंने कहा था कि जब हम कुछ काम करते हैं, आशा करते हैं, अर्थात आशा की जो बात थी, जो चयन जो सुबह बात हुई, हम जो कुछ भी चयन करते हैं किसी आस्वादन की अपेक्षा में करते हैं, यानी कि उसमें वो प्रति आशा बनी रहती है, तो जब उसकी सार्थक निर्वाह होता है इसका नाम है विश्वास। तो मैं किसी आशा के साथ आपसे कुछ व्यक्त होता हूं और उसका निर्वाह हो जाता है, परस्परता में विश्वास फलित हो पाता है। सेवा उपकार कर संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति एवं प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग सहकारिता, जो भी सहयोग और सहकारिता हम करते हैं उसका नाम सेवा है। इसमें उपकार प्रधान सेवा में उपकार करने की संतुष्टि है, और प्रतिफल प्रधान सेवा में केवल प्रतिफल ही आकलित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो तरह की सेवा की बात कर रहे हैं। एक है जिसमें उपकार प्रधान, मतलब जिसमें हमें किसी एक व्यक्ति जब दूसरे पर उपकार करता है और उपकार का प्रधान स्वरूप है ज्ञान ट्रांसफर करना, समझने और समझाने का काम प्रधान रूप में उपकार है, तो इसमें जब प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रहती है, उपकार प्रधान रूप से काम करते हैं तो संतुष्टि होती है। और एक सेवा ये भी होती है कि एक व्यक्ति आपके बाल काटता है, मसाज करता है ना, आप चिकित्सक आपको रोग का निदान करता है और उसके फल प्रतिफल में आप उसको उसकी फीस देते हो, है ना, आप उसके लिए कुछ कर देते हो, तो इसमें प्रतिफल ही आकलित होता है। लेकिन जब यही काम जब हम अपने संबंध में अपने माता पिता की सेवा करते हैं, है ना, या माता पिता जब बच्चों की सेवा करते हैं जब वो छोटे हैं,
है ना, तो वो उपकार उसमें प्रधानता दिखाई देती है, इसीलिए उसकी संतुष्टि उसमें जो प्रतिफल विहीन है ना, या उपकार प्रधान जो सेवा है उसका जो प्रतिफल है एक्चुअली वो भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक बड़ा प्रतिफल है, इसको शायद मानव जाति पहचान नहीं पा रहा है। उस अर्थ में उसमें संतुष्टि ही प्रतिफल है, इसीलिए जो बहुत सारे आईपीआर आज दिखाई देते हैं जिसको अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में कह रहे हैं, ये मानव जाति के साथ सही अर्थों में देखेंगे तो एक तरह का छल है, धोखा है, क्योंकि ज्ञान को रिस्ट्रिक्ट करना है ना, उसके लिए तो उपकार ही करना चाहिए था, उपकार उससे संतुष्टि जो मिलती है उससे मानव समाज या करने वाला वंचित हो जाता है। तो यदि हम इस बात को पहचान पाए तो शायद हम ये संस्कार अपनों में भी और अपनों में भी देख पाएंगे कि वास्तव में प्रतिफल भेद, जैसे किसी ने पूछा था कि यदि वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा नहीं है तो फिर वो काम ही क्यों करेगा, तो फिर वो उपकार विधि से काम हो रहा है ना, क्योंकि उसका जो फल है संतुष्टि रूपी फल वो इन सब प्रतिफल से कहीं बड़ा फल है, तो फिर एक्चुअली जागृत मानव किसी बड़े फल के लिए काम कर रहा है ना, तो संतुष्ट रहते हुए संतुष्टि के लिए काम करने की बात हो रही है ना। तो उपकार क्या है, समृद्धि, अच्छा नीचे एक्सप्लेन किया ही है, समृद्धि एवं जागृति के लिए सहायक होना, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना, ये उपकार है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मानव ने प्रयोग एवं उत्पादन से प्राप्त अर्थ अर्थात तन मन धन के सदुपयोग एवं सुरक्षा, यहां से ही अपने शुरू किया था कि मानव ने तन मन धन के अपने अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा चाहता है, व्यक्तिगत नीति निर्धारण करता है, उससे मतभेद होता है, अतः मानव कोई ना कोई मानव जाति में मानव अनुसंधान करता है कि सर्व सर्व के सबके लिए कैसे सदुपयोग और सुरक्षा हो सके, तब उसको ये सिद्धांत पता चलता है कि सही में एक गलती में अनेक है और उन सही के सिद्धांतों को फिर प्रतिपादित किया गया। तो अर्थ का सदुपयोग एवं इसकी सुरक्षा केवल मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं विचार के आधार से ही संभव है। तो अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा तो कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ मानवीयतापूर्ण व्यवहार और विचार से ही होगा, जिसके लिए या होता है जिसके लिए मानव द्वारा विज्ञान एवं विवेक द्वारा व्यवस्था का निर्णय किया जाता है। तो जब ये समझ में आता है तो फिर मानवीय व्यवस्था के डिजाइन को बनाता है मानव। समस्त भ्रमित मानव परंपरा में दो प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, एक को कह रहे हैं धर्म नैतिक व्यवस्था और दूसरे को राज्य नैतिक व्यवस्था, ये अभी भी मानव में दिखाई देती है। सामाजिकता के संरक्षण के लिए दोनों व्यवस्थाओं का परस्पर पूरक होना जरूरी है, क्योंकि जो धर्म नैतिक व्यवस्था है वो सदुपयोग को बताती है और जो राज्य नैतिक व्यवस्था है वो तन मन धन के सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो जागृत मानव परंपरा में हर परिवार में प्राप्त अर्थ का सदुपयोग धर्म नीति के रूप में और सुरक्षा राज्य नीति के रूप में प्रमाणित होता है, यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार है। इस प्रकार धर्म नैतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट है। जब यह दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे की पोषक अथवा पूरक ना होकर एक दूसरे की शोषक या एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती हैं, तभी सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है और अमानवीयतावादी विचार एवं व्यवहार को पुष्टि मिलती है, विकल्प के रूप में मानवीयता की आवश्यकता। देखिए इसका भी एडवांटेज मतलब पॉजिटिव ही होता है कि जब तक भ्रमित अवस्था में जब एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं या सदुपयोग और सुरक्षा स्पष्ट नहीं रहता है तो उससे असंतुलन होता है और इससे मानव को पुष्टि नहीं मिलती है ना, संतुष्टि नहीं होती है, असंतुलन होता है, अर्थात कोई ना कोई फिर इसके विकल्प के रूप में आवश्यकता मानवीयता की उदय हो ही जाती है। अर्थ की सुरक्षा के लिए विधि एवं व्यवस्था पक्ष है, विधि आचरण में एवं व्यवस्था परस्परता में स्पष्ट है। विधि पक्ष की उपादेयता विवेक सम्मत वैयक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का पोषण सदव्यय परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होती है। उपरोक्त अनुसार व्यवस्था की उपादेयता विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करने हेतु समझदार परंपरा को स्थापित करना है। तो जो मानवीयता विधि है व्यवस्था का काम है उस आशय को कार्य रूप प्रदान करना। विधि पक्ष का वैभव जागृत परंपरा में प्रमाणित होता है। संपूर्ण सृष्टि जड़ एवं चैतन्य भेद से परिलक्षित है। तो संपूर्ण सृष्टि में ही देखेंगे तो चार ही अवस्थाएं बात हुई है ना, पदार्थ और प्राण। तो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था जड़ जगत है, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था चैतन्य जगत है। तो जड़ और चैतन्य के भेद से ही संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। चैतन्य पक्ष और यदि रूट में चैतन्य देखेंगे तो फिर जीवन है जो चैतन्य है, क्योंकि शरीर मानव का और पशु का तो जड़ जगत का ही है, प्राण अवस्था की इकाई है।
तो चैतन्य पक्ष के अभाव में शरीर द्वारा किसी भी क्रिया का संपादन संभव नहीं है। मानव चैतन्य सृष्टि की विकसित इकाई है, क्योंकि उससे कम बालिकम विकसित जो है वो पशु मानव है। चेतना व्यापक है, चेतना पारगामी और पारदर्शी है, निष्क्रिय है अर्थात तरंग और दबाव से मुक्त है। चेतना व्यापक होने के कारण इकाई सिद्ध नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चेतना है, जो व्यापक है, वो कोई इकाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो व्यापक है। व्यापक है इसलिए इकाई का मतलब ये जो सीमित है, जिसका कहीं ना कहीं हम एक किसी एक आकार है ना, उसको सीमा में बांध पाते हैं, उसका नाम इकाई है। उसकी क्रियाओं को देख पाते हैं, क्रियाएं हमेशा किसी सीमा में ही दिखाई देंगी। और जो व्यापक है वो अपने आप में असीम होने के कारण, क्रिया शून्य होने के कारण ये अपने आप में इकाई सिद्ध नहीं होता। चेतना सृष्टि का, इस अर्थ में चेतना जो है या जो व्यापक है, वो सृष्टि का मूल कारण सिद्ध नहीं होती। सह अस्तित्व ही सृष्टि का मूल कारण है। तो मूल कारण क्या है? और व्यापक में निहित इकाइयां है ना। इसी को कह रहे हैं कि जो अस्तित्व है, सह अस्तित्व है, किन दो चीजों का सह अस्तित्व है? तो व्यापक में इकाइयों का सह अस्तित्व के रूप में अस्तित्व को पहचानने में आता है। तो चेतना में संपृक्त प्रकृति में ही परिणाम है। तो परिणाम भी किसमें आएगा? वो इकाइयों में आता है। साम्य ऊर्जा मानव में से के लिए विकसित चेतना रूप में है, और मानव में यही जो व्यापक साम्य ऊर्जा है वो विकसित चेतना के रूप में व्यक्त होती है। समस्त जड़ चैतन्य वस्तु ऊर्जा संपन्न रहने के लिए चेतना ही मूल कारण है। फलस्वरूप पदार्थ में क्रियाशील श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में सृष्टि बीज अर्थात जीव जगत के रूप में, जीवन में तरंग या दबाव है तो बिल्कुल है ना, जीवन इकाई है, उस हर इकाई में तरंग और दबाव बना रहता है। मानव में यदि दबाव को देखेंगे तो जो आवेश के रूप में, सट आवेश के रूप में भी दबाव दिखाई देता है नेगेटिव के अर्थ में। और मानवीय व्यवस्था या किसी, जब हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं तो हमारे ऊपर ये जो प्रेरणा आती है, ये प्रेरणा के रूप में भी एक पॉजिटिव की ओर गति के रूप में भी तरंग और हमारे में एक, एक, एक जो मोटिवेशन होता है ऐसा करने का, ये देखा जाता है। तो पदार्थ जगत हर समय क्रियाशील है ना, ये इसमें पाया जाता है। तो फलस्वरूप पदार्थ में क्रियाशील श्रम गति परिणाम पूर्वक विकास क्रम में सृष्टि बीज अर्थात जीव जगत के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। इससे पदार्थ जगत में जीव जगत का बीज रूप और फल रूप होना स्पष्ट हुआ। ये बहुत ही गजब की चीज लिखी है, इसको मैं चाहूंगा इसको अपन थोड़ी से दो मिनट विस्तार से बात कर लें। क्या कह रहे हैं कि देखिए, पदार्थ में ही बीज, जैसे देखिए, जैसे अभी सपोज हम कल्पना करें चांद पर किसी समय पानी बनेगा है ना, या किसी परिस्थितियों पर, समय तो कहना ठीक नहीं है क्योंकि घटनाएं समय से नहीं बल्कि परिस्थितियों से घटती हैं है ना। तो किसी परिस्थितियों में वहां हो सकता है कि है ना प्राण अवस्था का उद्गम हो, या ये भी हो सकता है कि वहां पर जीव अवस्था है। अब यदि इसको कल्पना को देखेंगे तो फाइनली पदार्थ ही, यदि अपन ध्यान से देखेंगे तो पदार्थ ही एक समय मानव के रूप में दिखाई दे रहा है, पशु के रूप में दिखाई दे रहा है, प्राण अवस्थाओं के रूप में दिखाई दे रहा है। ये ठीक है कि जब पदार्थ मानव के रूप में कह रहे हैं या पशु के रूप में कह रहे हैं तो उसमें पदार्थ का एक पार्ट जिसको जीवन कह रहे हैं और जो दूसरा समूह जिसको प्राण अवस्था या समृद्धि पूर्ण मेधस कह रहे हैं, इनके योग में मानव और पशु जगत दिखाई दे रहा है। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पदार्थ में वो बीज, माने पदार्थ में वो बीज था ही, इसीलिए इस तरह का फल प्रकट हुआ। तो इस बात को कहा जा रहा है कि पदार्थ जगत, इससे पता लगता है कि पदार्थ जगत में जीव जगत का बीज रूप और फल रूप होना स्पष्ट होता है, उसमें बना ही रहता है। इसी के साथ मानव शरीर और जीवन में जागृत बीज होना सुस्पष्ट होता है। ऐसे से यह भी पता लगता है कि देखिए, हम सब जब तक जागृत नहीं हो जा रहे हैं, हमारे में ये बीज जागृति का नहीं होगा तो हमारे में जागृति की ओर प्रेरणा को स्वीकारना ही नहीं बनेगा है ना। इससे पता लगता है कि मानव में जागृति की कामना अर्थात हम सब सह अस्तित्व पूर्वक जीना ही चाहते हैं, इसीलिए सह अस्तित्व रूपी प्रस्ताव को स्वीकारने की हमारे में जगह बनी रहती है, आवश्यकता बनती है, और हम उसको स्वीकार करके जागृत परंपरा को प्रमाणित करने के लिए हम गतिशील होते हैं। तो ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। यहां पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है, कहीं कहीं कुछ लोग पूछते हैं इस बात को कि भैया मानव तो कपड़े पहनता है ना, और प्रकृति में तो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, तो हमें कपड़े पहनना ये सही है गलत है?
है ना, हमने मकान बना लिए, सही है गलत है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए मानव में अपने तन मन धन को या अपने शरीर को सुरक्षित करने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति नेचुरल है ना, कि मैं जैसे पहले कहा था कि मैं अपने तन मन धन का या अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा चाहता हूं, ये बात जो है वो पशुओं में नहीं दिखाई दे रही है ना, ऐसा उनमें कोई उदय नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई विवेक सम्मत विज्ञान का लिए प्रयास नहीं है। तो हम अपने शरीर को सुरक्षित करना चाहते हैं, यह भी मेरे में ही उदय होता है, इसके फलस्वरूप मैं उस काम को करता हूं, फल और इसको पा जाता हूं, इसलिए मानव का है ना कपड़ों को पहनना है ना, या अपने को शालीनता पूर्वक व्यक्त करना, शिष्टताओं को व्यक्त करना, ये मानव में नेचुरल है, ये कोई अननेचुरल नहीं है, क्योंकि ये भी एक ड्राइव कई जगह भ्रम बस ये चलती रहती कि हम है ना इस हम बिल्कुल नेचर के साथ ही रहना है ना। तो इसको इसकी भी लिमिट्स को अपने को पहचानना चाहिए। तो मानव में ही, क्योंकि मानव में जागृति का बीज मतलब हमारे में, हम सब हारमोनी में जीना चाहते हैं, ये भी मेरे में निहित है, इसीलिए मैं इस हारमोनी को तलाशता रहता हूं, अपने अंदर भी मैं हारमोनी को ढूंढता रहता हूं परस्परताओं में, क्योंकि ये हारमोनी को मैं जीना चाहता हूं। उसके जब रूट में देखने जाएंगे तब हमें व्यापक सत्ता की महिमा समझ में आती है, क्योंकि व्यापक के साथ ये जो जीवन है ये निरंतर हारमोनी में बना रहता है, वहां पर कोई निर्विरोध के अलावा कोई विरोध की संभावना तक नहीं रहती, इसलिए मैं उस बीज रूपी जो मेरे में स्पष्ट है उसी फल को मैं पाना चाहता हूं अपने कार्य और व्यवहार के रूप में, अपनी परस्परताओं के रूप में। इस अर्थ में भी जो व्यापक कई बार कई लोगों को लगता है एकदम डेड जैसी वस्तु है, ये एक्चुअली काफी अलाइव वस्तु है, यदि हम इसकी महिमा को जब फील करते हैं कि जो शांति है ना, ये जो परम शांत तत्व में जो मैं लगातार बना रहता हूं, इसीलिए मैं अपने हर कार्य व्यवहार में शांतिपूर्ण, जिसको यदि मध्यस्थता को चाहता हूं या यहाँ पे देखेंगे तो व्यवस्था के स्वरूप को चाहता हूं, जो इसको रहने के रूप में, होने और रहने के रूप में उस शांति को व्यक्त कर पाए। तो क्योंकि हर मानव जागृत होना चाहता है, इससे पता लगता है कि जागृति का बीज मानव में समाया हुआ है, यही सहस्तित्व का प्रमाण भी है। सृष्टि की समस्त इकाइयां अपने पात्रता के अनुसार चेतना में संपृक्त हैं, यही प्रभाव है। तो क्या प्रभाव है कि हर इकाई अपने पात्रता के अनुसार प्रभावित है ना, व्यापक से, व्यापक में, व्यापक से कहना ठीक नहीं बनता है संज्ञा, क्योंकि व्यापक प्रभावित नहीं कर रहा है बल्कि मैं प्रभावित हो रहा हूं। इसके लिए भी मुझे एक सिमली है, माने पूरी तरह तो नहीं बैठती है, क्योंकि दोनों उदाहरण में पदार्थ जगत की दे रहा हूं। तो कई बार मैं देखता हूं लोगों ने वो आमिर खान की मूवी गजनी देखी, तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी हेयर स्टाइल और यू नो हाथ में लिखना, टैटूज बनाना शुरू कर दिया। तो शायद आमिर खान को ये पता भी नहीं होगा कि कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो प्रभावित होने का गुण है वो इकाई में है, माने बच्चे खुद प्रभावित हो गए हैं या हम प्रभावित हो गए, उसने प्रभावित नहीं किया है। तो यदि अब इसको व्यापक में देखेंगे तो व्यापक प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि व्यापक में होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता के अनुसार उससे प्रभावित, उसमें प्रभावित हो जाती है। और ये बाध्यता भी है कि ऐसा, जैसे बाबा ने कहीं कहा है कि अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है, तो जागृति तो होना निश्चित ही है। क्यों? बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा, मुझे वो पूरा तो नहीं पता दोहा, कि मैं ना लाल रंग में ही यदि डूबा भीगा रहता हूं तो मैं लाल रंग का हो जाता हूं। तो एक्चुअली परम शांत तत्व में, परम व्यापक सत्ता में, परम ट्रांसपेरेंट सत्ता में, जो कि है ना पारदर्शी सत्ता में, मैं चूंकि निरंतर डूबा भीगा घिरा रहता हूं, इसलिए उस मैं प्रभावित होकर के उन लक्षणों से संपन्न होने की ओर ही मेरी एक गति है और एक दिशा है। इसीलिए जब मैं अधिकतर लोगों से पूछता हूं या अपने में भी जब मैं देखता हूं इस बात को, तो क्या हम परस्परता में ट्रांसपेरेंसी के साथ जीना चाहते हैं या हम कुछ चीजों को छिपा सीक्रेसी के साथ जीना चाहते हैं, तो यही समझ में आता है। हर व्यक्ति का उद्गार यही होता है कि चाहता तो हूं मैं ट्रांसपेरेंट होकर के जीना चाहता हूं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे किसी से कुछ छिपाना पड़े। तो ये ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहता हूं मैं? क्योंकि व्यापक ट्रांसपेरेंट है और इस व्यापक में मैं हमेशा डूबा भीगा घिरा हूं, मेरे में ट्रांसपेरेंट होने की प्रेरणा इसमें मुझे मिलती है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें अपने को दिखाई देंगी कि ये जो व्यापक है, इसीलिए इसको कारण भी कहा, और महाकारण तो है ना सहस्तित्व को ही कहा परस्परताओं में जीने को। तो सृष्टि की समस्त इकाइयां अपने पात्रता के अनुसार चेतना में संपृक्त हैं, तो पदार्थ अवस्था अपनी पात्रता अनुसार उसको ऊर्जा के रूप में व्यक्त करता है,
प्राण अवस्था स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त करता है, पशु जगत उसको है ना जीने की आशा के रूप में व्यक्त करता है, और मानव संस्कारों संगीयता के रूप में अर्थात सुखपूर्वक जीने के रूप में इसी व्यापक सत्ता में होने से प्रेरित है, ऐसा समझ में आता है। इस प्रभाव का फल ही, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल, इस प्रभाव का फल ही इकाइयों की अक्षुण्ण चेष्टा है, अर्थात निरंतर चेष्टा है, हर इकाई निरंतर सचेष्ट बनी रहती है। चेष्टा ही क्रिया के मूल में है, यही श्रम गति और परिणाम स्वरूप ही जड़ प्रकृति, इसी वजह से सारी जड़ प्रकृति विकास क्रम में है और विकसित होकर के चैतन्य प्रकृति के रूप में संक्रमित है। चैतन्य प्रकृति का मूल रूप गठन पूर्ण परमाणु है। इस पे कभी अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे किस तरह से गठन पूर्ण परमाणु की घटना या क्या ऐसा हो रहा है इसमें, है ना, गठनशील और गठन पूर्ण परमाणु। तो मानव में बौद्धिक तथा भौतिक दोनों पक्षों का सम्मिलित रूप व्यवहार में पाया जाता है तथा शरीर के द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाओं में यह दोनों अर्थात बौद्धिक और भौतिक क्रियाएं सम्मिलित पाई जाती हैं। भौतिक पक्ष से तात्पर्य शरीर तथा उसके द्वारा की गई उत्पादन क्रियाएं हैं, और बौद्धिक पक्ष का मतलब है आशा विचार इच्छा रितंभरा व प्रमाणिकता, ज्ञान विवेक विज्ञान एवं इससे संबंधित प्रक्रिया है, इसको कह रहे हैं बौद्धिक पक्ष। दोनों पक्षों का सम्मिलित रूप व्यवहार में पाया जाता है तथा शरीर के द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाओं में यह दोनों अर्थात बौद्धिक और भौतिक क्रियाएं सम्मिलित पाई जाती हैं। तो मुझे लगता है साउंड ठीक आ रही है ना, यदि साउंड ठीक नहीं है तो मुझे कृपया बताएं। आशा का मतलब है आश्रय पूर्वक की गई अपेक्षा की आशा संज्ञा है। शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय पद्धति से आशयों का होना पाया जाता है। तो जैसा कि कल बात हो रही थी कि जो आशा करते हैं, है ना, जो मन की शक्ति है, मन एक बल है, और हम आशा करते हैं माने चयन करते हैं चीजों का, तो क्यों चयन करते हैं, किसी आश्रय पूर्वक। क्या आश्रय है, या तो शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय, दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम शरीर के आश्रय पद्धति से आशा करते हैं या शरीर के आश्रय पद्धति से आशा करते हैं। तो शरीर के आश्रय विधि से आशा करने से क्षणिक सुख मिलता है, और अनुभव मूलक विधि से जब हम चयन करते हैं आस्वादन करते हैं, है ना, तब सुख की निरंतरता हो जाती है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो ये शरीर के आश्रय पद्धति से और अनुभव के आश्रय पद्धति से आशयों का होना पाया जाता है। विचार क्या है, तो विश्लेषण पूर्वक किया गया स्वीकृतियों जो समाधान के अर्थ में प्रयोजन है वो विचार है, है ना। तो विश्लेषण को जैसे कि कल साधन भाई ने बताया था, तुलन और विश्लेषण ये दो क्रियाएं हैं, विश्लेषण को विचार कह रहे हैं, और विश्लेषण हम लोग छह प्रकार से करते हैं, है ना, प्रिय हित लाभ के आधार पर और न्याय धर्म सत्य के आधार पर। ये दो तरीके हैं जिसके आधार पर हम लोग विश्लेषण करते हैं, और जो एक सवाल ये आया था बाद पहले भी कि क्या न्याय धर्म सत्य में, जब किसी ने पूछा था कि आप ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जिसमें प्रिय हित लाभ ना हो सिर्फ न्याय धर्म सत्य हो, तो ऐसा नहीं है। न्याय में प्रिय और हित समाया हुआ है, लाभ की जगह समृद्धि आ जाती है, इसलिए न्याय कोई अप्रिय होगा ऐसा नहीं है, है ना। इच्छा क्या है, आकार प्रकार प्रयोजन एवं संभावना का चित्र ग्रहण एवं निर्माण करने तथा गुणों का गतिपूर्वक नियोजन करने वाली क्रिया की इच्छा संज्ञा है। जीवन शक्तियां गुण स्वभाव धर्म समाधान के रूप में व्याख्यात होती हैं। तो इच्छा का मतलब कल भी डिस्कशन हुआ था, चित्र ग्रहण और चित्र निर्माण, इसको इच्छा कह रहे हैं, तथा गुणों का गतिपूर्वक जो नियोजन करने वाली क्रिया है उसका नाम इच्छा है।
रितंभरा, ऋतु का मतलब होता है सत्य, है ना, सत्य सहज वैभव की अभिव्यक्ति करने की संपूर्ण पृष्ठभूमि या सत्य से परिपूर्ण संकल्प, इसको रितंभरा कह रहे हैं। संकल्प का क्या मतलब है? तो सम्यक प्रकार से की गई स्वीकृति, अर्थात जिसको स्वीकार करना है उसकी निर्भ्रमता को निरंतरता प्रदान करने वाली बौद्धिक प्रक्रिया या बौद्धिक क्रिया। तो संकल्प क्या है? देखिए, अभी भी हम लोग बहुत सारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे इस तरह के जोक्स भी आते रहते हैं कि जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं, एक आध हफ्ते की बात है जब बहुत सारी भीड़ दिखेगी, है ना, उसके बाद तो कम हो ही जानी है ना, क्योंकि इस तरह के जो हम संकल्प करते हैं कि नहीं आज से अब हम ऐसा करेंगे, अर्थात समझदारी के बिना दबाव पूर्वक किए गए संकल्प सफल नहीं होते हैं। समझदारी की गति, है ना, या बोध जो बुद्धि में, बुद्धि का जो बोध बल है उसकी जो गति है, जो शक्ति है, वो संकल्प के रूप में सहज होती है और उसमें निरंतरता पाई जाती है। मानव ने सृष्टि में अपने महत्व को जानने और पहचानने के क्रम में हर इकाई के गठन, क्रिया और आचरण का अध्ययन करने का प्रयास किया है, साथ ही पूर्णता के लिए प्रयास एवं अभ्यास भी किया है। तो मानव क्यों कर रहा है सारी चीज? क्योंकि हम अपने महत्व को जानना चाहते हैं, मेरा रोल क्या है, मैं हूं कौन, है ना, मेरा पर्पज क्या है इस अस्तित्व में। तो इसी को जानने और पहचानने के क्रम में हमने हर इकाई के गठन, क्रिया और आचरण को जानने का अध्ययन किया। तो फिर मैंने पदार्थ को भी समझने की कोशिश की, मैंने पेड़ पौधों को भी समझने की कोशिश की, पशु जगत को भी समझने की कोशिश की, स्वयं को जगत समझने की कोशिश की, साथ ही पूर्णता के लिए प्रयास और अभ्यास भी किया है, जिससे कि मैं अपने ही सृष्टि में मानव, मतलब मैं स्वयं अपने महत्व को जान सकूं, या मानव जाति एज ए होल अपने महत्व को जान सके, इसके लिए सारा प्रयास है। उपरोक्त अध्ययन के क्रम में जब इस तरह से अध्ययन किया तो यह अनुभव में आया, ये बाबा जी कह रहे हैं, क्या अनुभव में आया, कि मूल इकाई जड़ परमाणु है। तो मूल इकाई जो है वो जड़ परमाणु ही है जिसने विकास पूर्वक चैतन्यता को प्राप्त किया है। तो ये जो जड़ जगत ही है, जड़ परमाणु ही है, जिस टेबल चेयर पर, लैपटॉप, मोबाइल आपके हाथ में है, ये सारी की सारी चीजें, या सामने यदि आप बैठे हैं तो पेड़ पौधे, घर, है ना, पंखे, सब जड़ परमाणुओं से बनाई हुई चीजें हैं। इसी ने विकास पूर्वक चैतन्यता को प्राप्त किया, यही जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हो जाता है, अर्थात गठन पूर्णता, जो कि किस तरह से प्रमाण मिलता है इसका, गठन पूर्णता का प्रमाण है। गठन पूर्णता के पश्चात फिर क्या हो रहा है, क्रिया पूर्णता के लिए प्रयास हो रहा है, जिसको जिस चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं कि श्रम का सारा प्रयास विश्राम के लिए ही है। तो ये जो क्रिया पूर्णता के लिए प्रयास है, ये अब हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। गठन क्या है? तो एक से अधिक अंश के पहचानने, निर्वाह करने के नियम द्वारा अनुशासित एवं सीमाबद्ध निश्चित क्रिया को अक्षुण्णता, अर्थात निरंतरता प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही गठन है। तो एक से अधिक अंश, जब गठनशील परमाणुओं की बात करेंगे, है ना, तो एक से अधिक अंश जब साथ साथ आते हैं उसको हम कह रहे हैं कि ये गठन है, है ना। और आचरण क्या है? जिस क्रिया से मौलिकता का प्रकाशन होता है, जैसे दो अंशों का जो गठन है जिसको अपन हाइड्रोजन परमाणु के रूप में पहचानते हैं, है ना, इस तरह से हम देखेंगे कि हर इकाई का आचरण एक निश्चित मौलिकता को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, ऐसे बहुत सारे जो गठनपूर्ण परमाणु हैं, क्योंकि मूल इकाई तो जड़ परमाणु ही है, है ना। तो इस तरह से एक से अधिक अंश अलग अलग गठन में पहचानने में आते हैं और वो एक निश्चित मौलिकता का प्रकाशन करते हैं, उसी की उस आचरण ही उसका स्वभाव है और यही आचरण ही उस इकाई का नियम है। जड़ क्या है? विचार पक्ष से रहित इकाई जिसका कार्य क्षेत्र उसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तक सीमित है, जिसकी बात अपन ने पहले भी की। चेतन जिस इकाई का कार्य क्षेत्र उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक हो तथा जिसका विचार पक्ष सक्रिय हो, ऐसी इकाई की चेतन संज्ञा है, जिसमें अपन कह रहे हैं कि पशु जगत और मानव जगत में जो जीवन है वो ऐसी इकाई है जो अपने कार्य क्षेत्र से अधिक सीमा में कार्य क्रियाशील रहता है। ऐसी विशेष सक्रियता प्राप्त होते ही, देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है, जैसे ही कोई परमाणु गठनशील से गठनपूर्ण होता है, ऐसी विशेष सक्रियता प्राप्त होते ही वह आशा के बंधन से युक्त हो जाता है। इसका प्रमाण कहां देखने को मिल रहा है? प्रमाण हर जीव में जीने की आशा के रूप में प्रमाण दिखाई दे रहा है।
जड़ एवं चैतन्य इकाइयों में गठन सिद्धांत की साम्यता पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जिस तरह से जड़ जगत में भी गठन की जो साम्यता है, साम्यता का मतलब समानता नहीं है, साम्यता है, सिद्धांत वही का वही है कि एक से अधिक अंश आकर के एक निश्चित आचरण को दे रहे हैं, तो चैतन्य इकाई में भी जिसको ये कहा जा रहा है कि 61 अंशों का गठन है ना, उसमें भी गठन में सिद्धांत, गठन के सिद्धांत जो है उसमें एक साम्यता पाई जाती है कि जो केंद्र है वो उसको सामान्य बनाता है ना, या बना के रखता है गठन को। जबकि चैतन्य जगत में क्या हुआ है कि गठन की स्थिरता हो गई है, इसीलिए कह रहे हैं कि पहली पूर्णता जो कि गठन पूर्णता के रूप में, अर्थात अब इस परमाणु का गठन निरंतर है, एक जैसा बना रहता है, और ऐसा होने की वजह से ही है ना इस परमाणु में पाए जाने वाला बल और शक्तियां अक्षय हो गई हैं, ऐसा समझ में आता है। किस तरह से अक्षय हो गई हैं? क्योंकि इसका गठन निश्चित हो गया। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपसे कहूं कि जो लोहे का परमाणु है, जो हम जिस छत के नीचे बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस हॉल में बैठे हुए हैं, उसमें जो स्टील की या लोहे की रॉड्स लगी हुई हैं हमारे छत में गर्डर पर, है ना, उनका एक निश्चित आचरण है ना, और वो उस निश्चित आचरण को करता ही रहता है। तो इसमें उसमें जो गठन है, जो एक निश्चितता है, ऐसे ही हर मानव में जब तक लोहा लोहा रहता है वो लोहे के आचरण को देता रहता है, चूंकि वहां पर एक संभावना है कि गठन बदल सकता है, क्योंकि वो गठनशील है, गठन पूर्ण नहीं है, चूंकि जीवन रूपी परमाणु गठन पूर्ण है, इसलिए इसमें अब जो अक्षय बल और अक्षय शक्ति आ गई है, जिसको कह रहे हैं आशा विचार इच्छा करने की जो शक्तियां हैं, रितंबरा और प्रमाण करने की, जैसा कल साधन भाई बता रहे थे कि मैं कितना ही विचार करूं, है ना, विचार करने की ताकत मेरे में बनी ही रहती है, कितना भी चयन करूं चयन करने की ताकत बनी रहती है। ये क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि जो चैतन्य जगत है उसका गठन पूर्ण हो चुका है, इसलिए उसमें गठन की जो उसमें बल और शक्तियां उसकी निरंतरता हो जाती है। तो उसमें क्या पाया जाता है? आत्मा में अनुभूति, बुद्धि में उल्लास व आपलावन, है ना, चित्त में आह्लाद, वृत्ति में उत्साह, और मन में कौतूहल ही विकास की ओर सक्रिय होने की मूलभूत ऊर्जा नियोजन रीति है। इसके लिए ऊर्जा का अंतर नियामन आवश्यक है। तो क्या कह रहे हैं कि मन में जो कौतूहल है बहुत नॉर्मल है ना, जिसको हम लोग कहते रहे कि मन चंचल है, एक्चुअली मन चंचल नहीं है, मन तो सुख के निरंतर सुख को ढूंढ रहा है, जो कि मानव की चिर प्यास है। इसलिए जब एक जगह खाने में है ना, बहुत सारे और सारे जिसमें एंटरटेनमेंट में जब उसका एक जगह मन नहीं लग पाता है, अर्थात उसको निरंतर सुख की प्राप्ति नहीं होती है, या मन ये निष्कर्ष निकालता है कि अब इसमें और अधिक सुख नहीं मिल सकता, तो मन दूसरी चीजों की तलाश में चल देता है कि अब कल क्या खाना चाहिए, कहाँ घूमने जाए, है ना। इस तरह से मन कौतूहल मतलब नए उसमें लगा हुआ है सुख की तलाश में, और जैसे ही इसका जब तक इसके लिए जो विकास होना है, इसके लिए क्या करना है, हमें ऊर्जा का अंतर नियामन करना है, जो कल बताया था कि जो भी चयन आस्वादन कर रहे हैं उसको विश्लेषण करना होगा, और यदि हम सिर्फ प्रियत लाभ से विश्लेषित करते हैं तो ये पूरा नहीं पड़ता, हमें जो निरंतर वस्तुएं हैं न्याय धर्म सत्य से विश्लेषित करना होगा, साक्षात्कार करना होगा, इसके लिए हमें अपनी शक्तियों का अंतर नियामन, या जिसको कह रहे हैं प्रत्यावर्तन, है ना। तो मन से वृत्ति की ओर गमन, वृत्ति से चित्त की ओर गमन, चित्त से बुद्धि की ओर गमन, और बुद्धि से आत्मा की ओर गमन की बात को कह रहे हैं, है ना। और दूसरा जो होता है कि हम परावर्तन करते हैं, अर्थात हम वृत्ति से चित्त से वृत्ति की ओर इच्छा करते हैं, इच्छा से फिर कुछ विचार करते हैं, जैसे कल कहीं घूमने जाने का मन है ना, उसके लिए विचार करेंगे, तो इसमें दृष्टि प्रिय की भी हो सकती है, इसमें दृष्टि न्याय की भी हो सकती है, इसमें दृष्टि धर्म की भी हो सकती है। अधिकांशतः हम लोग अभी प्रिय लाभ घूमने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन मुझे अच्छा लगे, इंद्रियों को अच्छा लगे, इस तरह से हम परावर्तन में चले जाते हैं, है ना। इच्छा के बाद विचार किया कैसे जाएंगे, जो कल बताया था, कालवादी क्रियावादी और निर्णयवादी, है ना, विश्लेषण करते हैं, कुछ निष्कर्षों पर आते हैं, मन के द्वारा चयन करते हैं, और फिर शरीर के द्वारा उसके बाद चयन होता है, और इसके बाद पता लगता है कि ये तो पूरा नहीं पड़ा और हमें नई इच्छा करनी पड़ती है। जबकि अंतर नियामन करने से जो निरंतर सुख देने वाली वस्तुएं हैं उनका जब हमें पता चलता है तो हमारे में एक स्थिरता आती है, जिसको कह रहे हैं मूल मूलक जीने से मानव में एक सुख की निरंतरता का एक डिजाइन बनने की संभावना उदय हो जाती है, और ज्ञान होने से अनुभूति होने से वो पूरी होती है। तो अनुभूति क्या है?
अनुक्रम से प्राप्त समझ, स्थिति गति प्रकटन व परिणाम ही अनुभूति है, है ना। तो अनुक्रम से क्रम पूर्वक जो स्थिति गति का प्रकटन व परिणाम जो पता चलता है उसका नाम अनुभूति है। आपलावन जो कि बुद्धि में होता है, तो निर्भ्रमता के प्रभाव, तो जो ज्ञान से जो निर्भ्रमता आती है उसका प्रभाव ही आपलावन है। बुद्धि ही निर्भ्रमता को प्राप्त कर आपलावित होती है। आह्लाद को कह रहे हैं चित्त में संतोष, है ना। तो आह्लाद का मतलब है अभाव का अभाव, अब कोई अभाव ही ना रहा, सब कुछ भाव ही भाव में है, है ना। तो चित्त में ही अभाव की प्रतीति होकर आह्लाद होता है, अर्थात शांति होती है या संतोष होता है, सुख शांति संतोष, तो चित्त में संतोष होता है। और उत्साह, उत्थान या विकास की ओर जो साहस है उसकी उत्साह संज्ञा वृत्ति में पाया जाता है। यदि हमें न्याय कर पाते हैं, है ना, व्यवस्था की ओर गति करते हैं, तो क्योंकि उससे जो फल परिणाम आते हैं वो काफी हमारे लिए सुखद होते हैं, इससे मानव में उत्थान की ओर या विकास की ओर साहस पैदा होता है, इसी को उत्साह कह रहे हैं। कौतूहल अज्ञात को ज्ञात करने के लिए, ये जो मन का मन करता रहता है कौतूहल, मतलब कौतूहल का मतलब है हम अज्ञात को ज्ञात करें, अरे ईश्वर क्या है, ये अस्तित्व क्या है, ये मैं हूं कौन, मेरा पर्पज क्या है, ये सब जो अज्ञात को ज्ञात करना है। और अप्राप्त को प्राप्त करना भौतिक वस्तु, हमें मुझे कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। तो दो स्थितियों में मन काम कर रहा है, अज्ञात को ज्ञात करने के लिए भी और अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए। हेतु जो संवेग की क्रिया है, है ना, जो गतित होता है उसको कौतूहल कह रहे हैं, जो मन में होता है। बढ़िया। प्रत्येक परमाणु में परमाणु अंशों की अवस्थिति मध्य में तथा परिवेशों में पाई जाती है। तो हर परमाणु में यदि देखेंगे तो कुछ अंश उसके मध्य में है और कुछ अंश उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल यदि स्थूल रूप में देखना है तो हम अपने सोलर सिस्टम को देख सकते हैं, जैसे सन सूर्य बीच में है और उसकी तरफ धरती मंगल बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रथम परिवेश में एक से एक या एक से अधिक अंश, उसी प्रकार द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ पर आदि परिवेश में भी एक से अधिक अंशों को पाया जाता है। जो मध्यांश माने जो केंद्र है उसके सभी ओर अविरत रूप से लगातार, अविरत का मतलब है लगातार भ्रमण माने गति करते रहते हैं। इस तरह से प्रत्येक परमाणु के सभी ओर तथा परमाणु के गठन में पाए जाने वाले अंशों के सभी ओर शून्य की स्थिति पाई जाती है। शून्य से रिक्त व मुक्त स्थान या वस्तु नहीं है। शून्य मतलब व्यापक, है ना, व्यापक सत्ता से रिक्त या मुक्त कोई भी स्थान या वस्तु नहीं है, है ना, क्योंकि सारी इकाइयां व्यापक में ही डूबी भीगी और घिरी हैं, फलस्वरूप अपने अपने पात्रता अनुसार क्रियाशील हैं। चैतन्य इकाई गठन पूर्ण के मध्यांश को ही हम अपन आत्मा यहां कह रहे हैं, उसके प्रथम परिवेशी अंशों को बुद्धि। ये जो सॉफ्टवेयर मैंने कल अपने बेटे के साथ, बड़ा बेटा आया हुआ है तो उसकी मदद से किया है, मुझे लगता है आप लोगों को ठीक लगेगा। और इसमें अभी मैं थोड़ा और एडवांस हो जाऊंगा, तो जब मैं चैतन्य परमाणु की बात कर रहा हूं तो मेरा मन था कि मैं परमाणु के जो भौतिकीय स्वरूप हैं उसको भी यहां पर आपके साथ पैरेलली कहीं पर डिस्प्ले में दिखा पाता, इसको अपन आगे करेंगे तो एक और विजुअल हो पाएगा, है ना। तो इसको हम जो आज विज्ञान किसको कह रहा है उसको भी ठीक से देख पाएंगे, और क्या मध्यस्थ दर्शन उससे आगे की क्या स्थिति की बात कर रहा है इसको भी अपन एक विजुअल बेसिस में भी समझ पाएंगे। इसको मैं आगे इस सॉफ्टवेयर को समझ के और प्रयास करूंगा। तो चैतन्य इकाई के मध्यांश को आत्मा, उसके प्रथम प्रवेश को, है ना, बुद्धि कह रहे हैं, द्वितीय प्रवेश को चित्त, उसके जो तृतीय प्रवेश को वृत्ति, और चतुर्थ प्रवेशों को मन की बात मन कह रहे हैं। इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप में सृष्टि में चार अवस्थाएं, इसको मैं आगे तेजी से चल देता हूं, इस पर अपन लोगों की चर्चा हो चुकी है, है ना। चारों अवस्थाओं में परमाणुओं का मध्यांश, है ना, जो न्यूक्लियस है वो मध्यस्थ क्रिया है, क्योंकि उस पर सम या विषम का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, है ना। यदि इसको हम अपने में कैसे देखें, तो देखिए जो मध्यांश है, ये कहा जा रहा है कि जो आत्मा रूपी मध्यांश है हमारे में, उस पर कोई भी सम या विषम का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो निरंतर संतुलित बना रहता है। और गठनशील परमाणुओं में भी ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई भी बाहरी प्रवेश से अंश बाहर जाते हैं तो वो मध्यांश एक बल लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको नाभिकीय बल कह रहे हैं, और वो वापस बुला लेता है। और जब कोई ज्यादा पास आ जाता है कोई अंश, तो उसको फिर धक्का मार के विकर्षण प्रतिकर्षित करता है और उसको स्थिर करता है। मानव में यदि इस क्रिया को देखें अपने में, तो ये देखने में आता है कि यदि हम बहुत सारा
माने हमारे में जो आवेश है जिसको सम्मोहनात्मक आवेश भी कहें, लोभ मोह है ना, मद, तो ये आवेश भी थोड़ी देर के बाद स्वयं स्फूर्त सामान्य की ओर चल देता है, क्योंकि जो मेरे में आत्मा रूपी क्रिया है वो हर आवेश को सामान्य बनाने के लिए प्रयासरत बनी रहती है। इसी तरह से जो क्रोध है, लोभ है ना, क्रोध मद और मत्सर्य जो है ना, जिसको हम निगेटिव आवेश कहते हैं, तो उन आवेश का प्रभाव भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लगातार है ना क्रोध में बना रहे, क्योंकि ये जो आवेश हैं ये भी सामान्य की तरफ चल देते हैं, ये नॉर्मल क्रिया इतने स्वरूप में मध्यांश में देखने को मिलती है। तो गठनशील परमाणुओं में श्रम, गति एवं परिणाम घटित होता ही रहता है। परिणाम के अमृत के फलस्वरूप चैतन्य इकाई रूपी जीवन में विश्राम अनुभूति योग्य क्षमता योग्यता एवं पात्रता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। तो विश्राम जब तक नहीं हो जाता चैतन्य इकाई को, तब तक श्रम लगेगा ही, अर्थात थकान लगेगी है ना। तो क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि हम विश्राम की ओर, हमारे में चाहती है विश्राम की ओर, विश्राम को पाने की या निरंतर सुख को पाने की। पदार्थ अवस्था में सभी प्रजाति के परमाणु के अंतिम प्रवेशी अंश ही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं, अर्थात अग्रेषण क्रिया माने आगे की ओर क्रिया के लिए गतिशील रहते हैं। पहले भी मैंने कहा था क्षोभ क्या है कि क्षमता एवं योग्यता को श्रम में परिवर्तित करने पर जो ह्रास है, अर्थात जो उपलब्धि चाहिए वो नहीं होता है, उसी की क्षोभ संज्ञा है और यही पात्रता की अपूर्णता है। और अग्रेषण क्या है? क्षमता एवं योग्यता को जब श्रम में परिवर्तित करते हैं और जो संतुलन होता है उससे, अथवा अपात्रता का अर्जन है, इसी का मतलब है कि अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जड़ परमाणुओं में अंतिम एवं उसके पहले परिवेशीय अंश सक्रिय होते हैं। जीव अवस्था में शरीर रचनाएं प्राण कोशा से ही रचित हैं और जीवन में वंशानुसंगीय कार्य प्रवृत्ति रहती है। कब? जब जो जीव अवस्था है उस, जैसे पहले भी कहा कि वो कर्म करने में परतंत्र है, क्योंकि वंशानुसंगीय विधि से ही जो कार्य प्रवृत्ति है माने शरीर प्रधान विधि से कार्य होता है। चैतन्य परमाणु अर्थात जीव अवस्था में चतुर्थ तृतीय और द्वितीय प्रवेशों के अंश आंशिक रूप से, चतुर्थ अंश क्या है, चतुर्थ प्रवेश क्या है, मन, और तृतीय वृत्ति और द्वितीय चित्त। तो ये तीन चीजें माने उनमें भी जो जीव अवस्था के में चैतन्य परमाणु है उसमें भी आंशिक रूप में चित्रण, आंशिक रूप में विचार और आंशिक रूप में मन, चयन और आस्वादन की क्रिया जो कि वंशानुय संगी विधि से नियंत्रित रहती है, इसको देखा जाता है। और ये भी देखा गया है कि मानव के संपर्क में आके बहुत सारे चयन को है ना जीव अवस्थाओं में भी, पशुओं में भी बदलते हुए पाया जाता है। इसी को कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि जीवों में भी आंशिक रूप में मानने की क्रिया है, क्योंकि चित्रण भी आंशिक रूप में रहता ही है। कोई भी गाय जो है वो अपने ही घर में वापस जाती है, दूसरे के घर में नहीं जाती है, अपने मालिक को भी पहचानती है। तो ये जो चित्रण क्रिया का वैभव है लेकिन उसमें बहुत आंशिक है, जितना चित्रण मानव में विकसित है चित्र ग्रहण और चित्र निर्माण करने की क्रिया, उससे बहुत ही आंशिक रूप में पशु जगत में पाई जाती है। इससे भी पता चलता है कि वही जीवन है जो आगे और विकास क्रम में, जीवनी क्रम के बाद मानव भ्रमित मानव से व्यक्त हो रहा है और वही फिर जागृत मानव से जागृति के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो ज्ञान अवस्था में भी तो अपन पढ़ रहे हैं मानव विहार दर्शन चैप्टर 4 एडिशन 2011, हमने पेज 29 से शुरू किया है ना आज। तो ज्ञान अवस्था में भी शरीर रचना प्राण कोशाओं से ही है। तो जो शरीर है मनुष्य का भी, हम सबका शरीर, वो तो प्राण अवस्था का ही है। और जीवन जागृति क्रम में चतुर्थ अर्थात मन, वृत्ति, चित्त प्रवेशों के क्रियाशीलता विधि से 4.5 क्रियाओं को शरीर मूलक विधि से जब मैं जीता हूं तो मैं 4.5 क्रियाओं को व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि मन में जो चयन और आस्वादन रूपी 2 क्रियाएं, वृत्ति में विश्लेषण वाली 3 क्रिया, और जो तुलन है चूंकि हम प्रिय हित लाभ से ही करते हैं, न्याय धर्म सत्य का छूटा हुआ इसलिए आधा, और चित्रण। इस तरह से चयन आस्वादन 1-2, चित्रण 3, विश्लेषण 4 और तुलन आधा। इस तरह से हम 4.5 क्रियाओं को शरीर मूलक विधि से, क्योंकि इसमें पूरी डिजाइन क्या है, शरीर से सुखी हो जाऊं, संवेदनाओं से सुखी हो जाऊं, इसीलिए हमारी जो जीवन शैली है वो सुविधा संग्रह की जीवन शैली बनी रहती है। भोग अतिभोग और बहुभोग से शरीर से सुख पाने के प्रयास में बना रहता है, जो कि एक असफल प्रयास है। जब इस बात की समीक्षा होती है तो हमारा जीवन अपने में अन्वेषण करता है और श्रेष्ठ पुरुषों से
माने बातचीत करने का प्रयास करता है, उनसे समझने की कोशिश करता है कि यदि इतने से तृप्ति नहीं है और मैं तो तृप्ति पूर्वक जीना चाहता हूं, तो फिर तृप्ति का स्रोत क्या है। इसी को कह रहे हैं अपात्रता या जिज्ञासा, जीने के अर्थ में आशा, जिज्ञासा शुरू ही अर्थात निरंतर सुख के अर्थ में जिज्ञासा शुरू होती है। जागृति पूर्वक अनुभव मूलक विधि से पूरे 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता है। तो जो बची हुई क्रियाएं हैं जिसको कह रहे हैं चिंतन और बुद्धि में बोध और संकल्प और आत्मा में अनुभव और प्रमाणिकता और जो वृत्ति में बची हुई थी न्याय धर्म सत्य, ये जो पूरा 10 क्रियाएं को जब प्रमाणित करता है, मानव शरीर रचना मानव परंपरा में जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने योग्य। तो मानव की जो शरीर रचना है, शरीर में और कोई बहुत चेंज नहीं होना है, शरीर हमारा ऑलरेडी इसके लिए डिजाइंड ही है ना, कि हम शरीर में बहुत कोई विकास नहीं होना है, जीवन में ही क्रियाओं में विकास होना है। क्योंकि कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि भैया क्या शरीर में भी कुछ ज्ञानावस्था के बाद कोई सुपर ज्ञानावस्था आने की जरूरत है। तो इस पर भी बाबा से चर्चा हुई और बहुत अच्छा उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति भी इस शरीर के माध्यम से 10 क्रियाओं को प्रमाणित करते हुए तृप्ति को पा सकता है तो फिर सभी पा सकते हैं। और चूंकि उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि वो इसको पा गए हैं और इसके पहले भी कई महापुरुषों ने क्लेम किया, इससे पता लगता है कि हमारा शरीर तो अपने आप में ठीक ही है ना। जो भी काम होना है अंतर नियोजन हमारी जीवन शक्तियों का ही होना है, या जागृति जो होनी है वो जीवन में ही होनी है। तो ज्ञान अवस्था में ईष्ट सेवन का लक्ष्य, ईष्ट से तदात्म, ईष्ट यहां कह रहे हैं जागृति को, है ना, जो नीचे आया ईष्ट का मतलब माने जो मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, मेरा ईष्ट क्या है। तो मेरा निर्भ्रांत ज्ञान सहित स्वेच्छा पूर्वक सह अस्तित्व के प्रति श्रद्धा विश्वास एवं निष्ठा ये हो जाए, यही मेरा ईष्ट है ना। तो ज्ञान अवस्था में ईष्ट सेवन का लक्ष्य क्या है, ईष्ट से तादात्म हो जाए, एक रूप हो जाए, तद्रूप हो जाए, तत्सानिध्य हो जाए, तदावलोकन हो जाए। ये सारे जो शब्द आए हैं ये चूंकि परंपरा में आए हुए हैं, है ना, और ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम इन सारे शब्दों को उसी अर्थ में समझें, हम एक नॉर्मल ढंग से भी समझ सकते हैं, है ना। जैसे श्रवण मनन निधि ध्यासन ये भी परंपरा के शब्द हैं। यदि अपन सामान्य भाषा में समझें तो श्रवण का मतलब है कि जो सच्चाई कही जा रही है उसको मैं सुन पाऊं, माने मन उसका चयन कर पाए, वृत्ति उसको तुलन कर पाए, क्या तुलन कर पाए कि जो खाने पीने और दूसरी एंटरटेनमेंट में मैं जो समय लगा रहा हूं उससे अधिक श्रेष्ठ वस्तु ये है। इसलिए हमारा जो विचार विश्लेषण क्रिया है उसमें जैसे ही इस बात को स्वीकारती है कि इससे मेरे को सुख की संभावना बढ़ सकती है, वो उस चीज का चुनाव लगातार करने में विश्लेषण चुनाव के साथ साथ विश्लेषण करती रहती है, माने हमारा मन और विचार भी उसमें लगने लगता है और फिर जो कहा जा रहा है उसके चित्र भी बनने लगते हैं। तो इस तरह से इसी को और फिर जो चिंतन और जो वो अनुभव की स्थिति है उसको तादात्म कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से तादात्म तद्रूप तत्सानिध्य और तदावलोकन के अलग अलग अर्थ हैं, है ना। जिसको और डिटेल में समझना होगा तो अपन कभी अगली उसमें चर्चा कर लेंगे, यहाँ पर डिटेल किया ही हुआ है। तादात्म तद्रूप, जागृति ही परम उपलब्धि होने के कारण तद्रूप अर्थात अनुभव बोध से तादात्म होना जीवन सहज तथा अनुभव सहज क्रिया है। सह अस्तित्व में अनुभव ही तद्रूप तदाकार विधि है। तो हम ये कह सकते हैं अनुभव की जगह बेसिकली तादात्म तद्रूप कह रहे हैं, क्योंकि नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य अनुभव के फलन में प्रमाणित होता है। तत्सानिध्य का अर्थ है कि हमें अब जागृति का या जिसका सानिध्य मैं चाहता था, किसका सानिध्य चाहता था, सुख शांति संतोष और आनंद का, तो तदात्म तद्रूप होने के फलस्वरूप मुझे उसका अर्थात सुख शांति संतोष आनंद का सानिध्य हो गया। और तदावलोकन माने सहस्तित्व में दृष्टापद प्रतिष्ठा ही तदावलोकन है। अभी भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं लेकिन चूंकि हम आधी अधूरी प्रियहित लाभ की दृष्टि से ही कर रहे हैं, हमारा पूरा दृष्टापद में नहीं है, हम सारी सच्चाइयों को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमारा अवलोकन क्रिया जो है वो तद माने जो जैसा है वैसा देख पाए, ऐसा अवलोकन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हमारी क्रियाएं भी भ्रमित हो जाती हैं, करने कार्य व्यवहार भी। तो तदावलोकन का मतलब है कि जैसा है अस्तित्व वैसा हम सच्चाइयों को देख पाए, या सहस्तित्व का दृष्टा है ना जागृत जीवन ही है। तो जागृति का इतना ही मतलब है कि हम जैसी सच्चाइयां हैं वैसा देख जाए, जागृति को ही यहां पर तत्शब्द से इंगित कराया है। ज्ञान अवस्था की इकाई की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य निर्बीजन व्यवहार है। यहां ये भी निर्बीजन भी परंपरा का शब्द है ना। आजकल के हम जैसे लोग बहुत सारे लोग जिनका इन शब्दों से बहुत वास्ता नहीं है, तो निर्बीजन व्यवहार का इतना ही मतलब अपन और आगे देख ही लेंगे। तो निर्बीजन व्यवहार का इतना ही मतलब है कि बाण जो दे रहा है इसी का नाम है निर्बीजन व्यवहार, अर्थात
फिर से बीज नहीं बन रहा। किस चीज का बीज? दुखी होने का बीज। अभी जो उसको अपन बीज कह रहे हैं वो दुखी होने के बीज को मैं बीज हम लोग बीज कहते हैं, और निर्बीजन का मतलब है निरंतर सुख की स्थिति बनी रहना। परंपरा ने इसको सबीजन और निर्बीजन एक्चुअली जन्म मरण से मृत्यु के अर्थ मुक्ति के अर्थ में रखा है, इसको रीडिफाइन किया है। यहां पर सबीजन का इतना ही मतलब है कि हम शरीर को जीवन मान लेते हैं, जबकि शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु है और जीवन एक गठन परमाणु चैतन्य इकाई है, और जीवन रासायनिक भौतिक संसार का दृष्टा है ना। तो इस अर्थ में वो रासायनिक भौतिक जगत नहीं है। पेज 33, शरीर की नश्वरता और जीवन की अमृतत्व व निरंतरता कार्य व्यवहार के नियमों की पूर्ण स्वीकृति व अनुभूति ही निर्बीज विचार है। तो निर्बीज विचार क्या है? जहां पर मैं जीवन अमर है ये पहचान लेता हूं और कार्य और व्यवहार के नियमों की पूर्ण स्वीकृति हो जाती है, तो इसको कह रहे हैं कि अब मैं निर्बीज विचार है, और तद अनुसार उस तरह के जब मैं फिर व्यवहार करता हूं उसी को निर्बीजन व्यवहार कह रहे हैं। यही भ्रम मुक्ति है। निर्बीज विचार ही जीवन मुक्त की या दिव्य मानव की स्वभाव सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया है। तो दिव्य मानव की जो स्थिति है वो बेसिकली निर्बीजन विचार की है, अर्थात वो हमेशा निर्बीजन व्यवहार कर रहा है, अर्थात मानवीयता और अति मानवीयता पूर्ण व्यवहार ही उससे हमेशा व्यक्त होता है। जीवन मुक्त अर्थात जीव चेतना से मुक्त व्यवहार है ना। जीवन मुक्त का क्या मतलब है? जीव चेतना एवं भ्रम मुक्त मानव अर्थात सहस्तित्व में अनुभव संपन्न मानव में एक और अच्छी बात कह रहे हैं कि जो भी जब जागृति हो जाती है, भ्रम मुक्ति हो जाती है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसे मानव में भूतकाल से कोई पीड़ा नहीं है, भविष्य की आशा से भी कोई चिंता नहीं है, है ना, और वर्तमान से विरोध नहीं होता है। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता से मुक्त रहता है। उस अर्थ में जीवन मुक्त शब्द को उपयोग किया है। भ्रम मुक्ति अथवा जागृति ही मध्यस्थ स्थिति व गति है। मध्यस्थ स्थिति प्राप्त करने में सम विषम क्रिया के क्षोभ से मुक्ति है। जीवन में जागृति पूर्वक उपयोगिता सदुपयोगिता प्रयोजनशीलता पूरकता विधियों से संतुष्ट होने की व्यवस्था है। तो जीवन में केवल उपयोगिता सदुपयोगिता प्रयोजनशीलता पूर्वक ही और पूरकता, हम एक दूसरे के पूरक होकर के ही संतुष्ट होने की डिजाइन है। जागृत जीवन में मध्यस्थ अर्थात आत्मा अथवा अनुभव बोध विधि से ही संतुलित और संतुष्टि होना पाया जाता है। जागृति क्रम में सर्व मानव रूप बल पद धन के बढ़ने को समक्रिया, बहुत मजेदार है। जागृति क्रम में अर्थात जब अब तक हम जागृत हुए नहीं है, अर्थात जब तक भ्रमित स्थिति बनी हुई है या अध्ययन की स्थिति बनी हुई है, उसमें हर अधिकतर सर्व मानव क्या माना रहता है? यार रूप बल पद धन बढ़ जाए तो इसको मानता है समक्रिया। मतलब कम से कम जितना धन इकट्ठा हो गया आप उतना तो बना रहे, अब जितना प्रॉफिट होने लगा है बिजनेस में, है ना, इतने लाख आने लग गए, इतने तो आते ही रहे, या मैं जिस पद पर पहुंच गया हूं वो तो बना ही रहे, जो मेरा रूप हो गया है इसमें अब घटना घटपड़ ना हो, इसी के आधार पर पूरी, है ना, ब्यूटी पार्लर डिजाइन चल रही है ना। तो रूप बल धन पद के बढ़ने को हम समक्रिया बोलते हैं, तथा इनके बने रहने को मैं मध्यस्थ बोलता हूं, जबकि ऐसा नहीं है, है ना, और इनके घटने को मैं विषम क्रिया के रूप में पहचानते हैं। इस प्रकार जागृति क्रम में भ्रम बस सम व मध्यस्थ क्रियाएं सभी को स्वीकार रहती हैं और विषम अस्वीकार रहती है। तो सभी चाहते हैं कि मेरा रूप बल पद धन बढ़ा रहे, बना रहे, घटे मत, है ना, लेकिन चूंकि ऐसी सच्चाई नहीं है इसलिए क्लेश में रहते हैं। जागृत मानव परंपरा में जीवन का वैभव एवं महत्ता प्राथमिक हो जाते हैं तथा भौतिकताएं द्वितीय हो जाती हैं, तथा भौतिकता सहज सम विषम मध्यस्थ क्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं, क्योंकि ये पता लग जाता है कि हर रूप, है ना, बदलेगा, बल बदलेगा, धन बदलेगा, पद का सम और विषम दोनों स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि पद का आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। इसलिए भ्रम बस जो इसको ही सम और विषम से क्लेशित होते हैं, जब जीवन का वैभव, जैसे कल भी मैंने कहा था कि अगली उससे अच्छी स्थिति हमें जब समझ में आ जाती है तभी ये जाकर के नियंत्रित होते हैं, तो भौतिकताएं जागृत व्यक्ति में द्वितीय हो जाती है, मतलब सेकेंडरी हो जाती है, और प्रायोरिटी, है ना, जागृत जीवन का जो सुख है, संबंध है, है ना, या जो समझ है, ज्ञान है, आचरण है, ये प्रधान हो जाता है। तो क्षोभ ही दुख अथवा क्लेश है। क्षोभ या समस्या अथवा दुख के निवारण हेतु ही जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यकता है, है ना, इसी के निवारण के लिए मानव प्रयासरत रहता है।
जीने की आशा में उद्भव विभव एवं प्रलय समाविष्ट है। जीव अवस्था के शरीर रचना प्राण अवस्था की रचना क्रिया है, इनमें भी विभव सबसे प्रिय है जो स्थायी नहीं है। विभव का मतलब बने रहना। जीव अवस्था भी ये चाहता है जीने की आशा, या मानव में भी भ्रमित मानव में भी सिर्फ जो जीने की आशा दिखाई देती है ना, या प्रियत लाभ पूर्वक सुख पूर्वक जीने की आशा दिखाई देती है, इसमें विभव माने स्थायी, हम इसको बना रहे, इसकी ये जो भ्रम बस पाया जाता है जो कि स्थायी नहीं है, भ्रम बस मानव विभव में ही बल रूप पद्धन के स्थायीकरण के लिए प्रयास करता है कि यार बस ये स्थायी हो जाए, मेरा रूप जितना सुंदर दिखता हूं ना बस अब ये नहीं बदलना चाहिए, पदवी नहीं बदलना चाहिए, अब सीईओ के पद पे आ गया हूं है ना, अब बस ये मेरा लगातार बना रहे। लेकिन वो 60-65 में रिटायरमेंट होता ही है, अपना बिजनेस करते हैं तब भी उसका चूंकि शरीर इस योग्य नहीं रहता है तो बच्चों के लिए ट्रांसफर करना ही होता है, जो कि बड़ी पीड़ा होती है। महिलाओं में ऐसा भी मानते हैं कि जब बहू घर में आ जाती है तो किचन का जो हैंडओवर होने में काफी तकलीफ होती है, क्योंकि हम ये माने रहते हैं कि हमारा जो धन है पद है ना वो स्थायी हो जाए, ये जो प्रयास है असफल प्रयास है ना, जो इसका चूंकि इनका इनका गुण ही स्थायी नहीं है इसलिए असफल है। उपरोक्त अनुसार विभव काल की स्थिरता तथा इसमें की गई उपलब्धियों की स्थिरता सिद्ध नहीं होती। मानव का विभव तो फिर सवाल बनता है मेरा विभव है कहाँ, क्या चीज है जो बनी रहेगी, तो मानव का विभव तो जागृत परंपरा ही है जिसकी ही निरंतरता पाई जाती है। इसके लिए हम सबको जागृत मानव परंपरा के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी की एकमात्र स्थिरता है। आकृति को रूप, प्रभाव को गुण, वस्तु स्थिति को तत्व तथा किसी रूप क्रिया वस्तु या स्थान को निर्देश करने हेतु प्रयुक्त शब्द की नाम संज्ञा है ना। तो हम किस चीज को जब नाम कह रहे हैं, आकृति को रूप कह रहे हैं, प्रभाव को गुण कह रहे हैं जब रूप गुण है ना, और वस्तु स्थिति को तत्व तथा किसी रूप क्रिया वस्तु या स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए जो हम संज्ञा यूज करते हैं, नाम यूज करते हैं, जैसे जीवन एक नाम है तो किसी रूप को किसी प्रभाव को किसी वस्तु स्थिति को बता रहा है, लोहा चांदी है ना, कपड़े, माँ भाई बहन, ये जो जितने भी हम नाम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं इसको व्यक्त करते हैं। और रूप और गुण कैसा है, सापेक्ष और सामयिक तत्व है ना, मतलब किसी समय तक बना रहता है उसके बाद इसमें बदलाव आता है। सामयिक तत्व का मतलब ही है किसी क्रिया या क्रिया समुच्चय का परिणाम भावी है, जो परिणाम भावी है माने उसमें परिणाम बदलेगा है ना। समस्त तत्व निरपेक्ष में संपर्क और कार्य निरपेक्ष जिसको कह रहे हैं व्यापक को, तो सारे के सारे तत्व जो हैं वो व्यापक में संपर्क हैं और क्रियाशील हैं। एक जो भाषा के लिए बहुत अच्छा सूत्र है कि भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता, तो जो भी हम भाषा बोलते हैं है ना उसके मूल में हमारा भाव रहता है, और भाव के मूल में कोई मौलिकता रहती है, और मौलिकता के मूल में कोई ना कोई मूल्यांकन रहता है, और मूल्यांकन क्षमता के रूप में मेरा कोई दर्शन रहता है। अर्थात जब मैं वस्तुओं का मौलिकता को पहचानता हूं तो यदि मैं प्रियत लाभ से मूल्यांकन करता हूं तो कुछ और मेरा दर्शन है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एक दर्शन है। यदि और समझ बनती है तो समझ में आता है कि संबंध प्रधान है, तो अब मेरा मूल्यांकन बदल जाता है, क्योंकि हर मूल्यांकन करने के मूल में मेरी दर्शन होता है, और दर्शन के मूल में कोई दर्शक होता है ना, और दर्शक के मूल में उस दर्शक की क्षमता योग्यता और पात्रता होती है। कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उसी दृश्य को अर्थात सह अस्तित्व रूपी दृश्य को हर दर्शक अपनी पात्रता योग्यता क्षमता अनुसार अलग अलग दर्शन कर रहा है, और क्षमता योग्यता एवं पात्रता के मूल में क्या मेरे को सत्य का भास हुआ या आभास हुआ प्रतीति हुई, या इसके जो भास आवास प्रतीति अर्थात साक्षात्कार है ना बोध कराने की जो स्थिति है, इसके मूल में ही सारी भाषा बनी हुई है। यह सब चित्त में होने वाली क्रिया है जो दर्शक के जागृति के अनुसार सफल अथवा असफल होती है। तो जो अनुभव संपन्न व्यक्ति है वो भी जब भाषाकरण करता है सत्य का, तो चित्रण में है ना, चित्रण उसके पास उस चित्रण होता है और उस चित्रण को ही व्यक्त कर रहा है, तो इस पर डिपेंड, इसकी क्षमता योग्यता पात्रता पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मूल्यांकन कर रहा है, उसके मूल में किस तरह से मौलिकता को पहचान रहा है। तो जब जागृत व्यक्ति किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में मौलिकता को पहचानता है तो ये पाता है कि मानव की मौलिकता तो मानवीयतापूर्ण आचरण है, निर्भ्रमता है, समझदारी है ना, उस इस तरह इस तो और निरंतर सुख शांति संतोष आनंद के साथ जीने की स्थिति है। इसीलिए उसकी जो भाषा जो व्यक्त होती है उसमें जो भाव है वो दया कृपा और करुणा का व्यक्त होता है, या धीरता वीरता उदारता का भाव से ही वो व्यक्त होता है।
पदार्थ अवस्था एवं प्राण अवस्था की सृष्टि मेधस रहित तथा जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था की सृष्टि जो है मेधस संपन्न। तो जो शरीर है, क्योंकि जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में ब्रेन के माध्यम से ही जीवन अपने को व्यक्त करता है, इसलिए इसकी जो सृष्टि है उसमें मेधस।